कौन कहता है रोशनी चांद देता है, सितारे नहीं। मैंने टांक लिया है सितारों को अपनी छतरी में, मेरी राहों में अब अंधेरे नहीं। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिरीष गौतम और मेरी पहचान मेरा पंत नगर का आईडी नंबर 26904। और दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए स्टार्स ऑफ पंतनगर। इंडोइन बिजनेस ग्रुप प्रेजेंट्स स्टार्स ऑफ पंतनगर। इंडोइन बिजनेस ग्रुप एन एग्रीकल्चरल कंपनी, एडिंग वैल्यू, बिल्डिंग ट्रस्ट। टू नो मोर अबाउट आवर टाइटल स्पॉन्सर प्लीज विजिट www.indoingroup.com। संगीत इनकी भाषा है और संगीत ही परिभाषा है। संगीत इनका सम्मान है और संगीत ही इनकी पहचान। संगीत इनका जुनून है और संगीत ही दिल का सुकून। संगीत इनका गर्व है, संगीत ही इनका सर्वस्व है। इन्होंने सन 1984 में कॉलेज ऑफ होम साइंस से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। तत्पश्चात इन्होंने सन 1995 से लिबरल एजुकेशन प्रोग्राम में बतौर स्टाफ काउंसलर अपना योगदान दिया। युवाओं में भारतीय संगीत एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए इन्होंने स्पीक मै के पंतनगर चैप्टर में को स्टाफ काउंसलर के पद पर अहम भूमिका निभाई। वर्तमान समय में वो पंतनगर के कैंपस स्कूल में बतौर शिक्षिका विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल बनाने में अपना योगदान दे रही है। जो बात इन्हें स्टार बनाती है वो बात है संगीत के प्रति इनका समर्पण, जिसके कारण ये पंतनगर कोकिला के रूप में भी प्रख्यात है। कार्य के प्रति इनकी श्रद्धा और निष्ठा अवर्णनीय है। इनका संगीत के प्रति डेडिकेशन के साथ युवाओं को अपनी संस्कृति एवं संगीत से जोड़े रखने का योगदान अनुपम है। आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के शो में मिसेस रागिनी सक्सेना जी का। वेलकम टू द शो। हमारे आज के शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिसेस रागिनी का जीवन पंतनगर के इर्द गिर्द ही घूमता है, लेकिन उनके हुनर की खुशबू दूर बॉम्बे तक भी है। आज इस शो के माध्यम से जानेंगे उनके सीखने सिखाने तक का सफर और पढ़ने से पढ़ाने तक का सफर। किस तरीके से वो अपने मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ती रहीं और क्या क्या उपलब्धियां आपने इस मार्ग पर अर्जित की। थैंक यू डॉक्टर शीश, आपने मुझे मंच दिया है आज और इसको मैं डेडिकेट कर रही हूँ डॉक्टर बी एन सिंह जी को, जिन्होंने विश्वविद्यालय के कुलगीत को शब्दों से सजाया है। दोस्तों, ही लेफ्ट फॉर हिज हेवनली अबोड यस्टरडे, आई प्रे फॉर हिज डिपार्टेड सोल। जर्नी जब कहा जाता है तो इसका मतलब होता है कि हम जीवन में हर आयाम को ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा जीवन जो है संगीत से ही जुड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ ज़्यादातर संगीत की भी बात करूँगी और साथ में किस तरह से मैं समाज से जुड़ी रही, किस तरह से पंतनगर से जुड़ी रही हूँ, ये भी मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी। तो जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरा जो संगीत की शिक्षा थी वो मेरी माँ से ही शुरू हुई। मेरी माँ पहली गुरु हैं जिन्होंने मेरी संगीत की शिक्षा में मुझे बढ़ाया आगे, और जो भी मेरे बेसिक राग थे वो सब उन्होंने ही कंप्लीट कराए। उसके बाद मैं जब बड़ी होने लगी और मैंने अपनी स्कूलिंग ख़त्म की है, फिर उसके बाद मैं यहीं इंटर कॉलेज में पढ़ी पंतनगर के। उसके बाद इंटर कॉलेज कंप्लीट करने के बाद मैं जब 12th कंप्लीट किया, मैंने ग्रेजुएशन प्रोग्राम में आई हूँ। मैंने यहाँ पंतनगर में एडमिशन लिया और मैं उस समय 1980 की बात है, ये 81 में, और मैं 84 की पासड आउट हूँ यहाँ से। तो इस तरह से मेरा जो यहाँ इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो सफ़र रहा, यात्रा रही, वो बहुत ही कहना चाहिए आकर्षक भी कह सकते हैं उसको, और मज़ेदार रही। इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सिखाया भी, लेकिन यहाँ सिखाने वाला काम कम था, सीखने वाला ज़्यादा था, क्योंकि मैं उस समय लर्नर ही थी।
और जब मैंने पहली बार यहाँ स्टेज पे गाना गाया तो यहाँ पर एक थे मिस्टर पीएन सिंह, जो कि उस समय कम्युनिकेशन में एग्रीकल्चर में थे और वो एमएससी कर रहे थे यहाँ पर। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे जब गाते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि रागिनी तुम इसमें आ जाओ यूनिवर्सिटी सॉन्ग टीम में। तब यहाँ टीम हुआ करती थी जो कि पूरे सारे प्रोग्राम्स को जो है स्टार्टिंग में वही टीम जाके गाती थी नर्सी सॉन्ग। तब यहाँ पे कोई ये नहीं होता था कि हर कॉलेज अपना अपना गाएगा और मैं उसमें लीड रोल करती थी, लीड वॉइस मेरी थी। तो इस तरह से वहाँ से सफ़र शुरू हुआ यूनिवर्सिटी का और फिर मैं धीरे धीरे और भी प्रोग्राम्स में और हर में हमेशा यहाँ कल्चर प्रोग्राम की एक तरीके से स्टेज की वो रही हूँ एक मेन पर्सनैलिटी। और मुझे अच्छा लगता था कि हाँ मुझे लोग बहुत प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। उसके बाद ही फिर मेरा जब यहाँ यही मेरा अपॉइंटमेंट हो गया आफ्टर कम्प्लीशन दिस डिग्री कैंपस स्कूल पंतनगर, और वहाँ मैं एक मॉन्टेसरी टीचर की तरह से मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। लेकिन क्योंकि मेरे बिहेवियर में, मेरी बॉडी लैंग्वेज में, मेरी हर बात में से म्यूज़िक ही झलकता था, तो मुझे कोई मॉन्टेसरी टीचर तो इतना नहीं जान पाया। लेकिन हाँ मुझको सब एक म्यूज़िक टीचर की तरह से और एक संगीत के जानकार की तरह से लोगों ने बहुत मुझे अप्रिशिएट किया और धीरे धीरे मेरा सफ़र इधर बढ़ता ही चला गया। फिर यहाँ अब वो डॉक्टर साहब नहीं हैं, हमारे डॉक्टर एच सी सक्सेना जी, जिनके बेटे यहाँ रवि जी अभी टेक कॉलेज में जॉब करते हैं। तो सबसे पहले मुझे जजिंग के लिए उन्होंने बुलाया और तब से फिर मैं यहाँ पे एज अ जज कल्चर प्रोग्राम जज करने लगी यूनिवर्सिटी के। तो इस तरह से बराबर अभी यहाँ पे एलुमनाई मीट हुआ था उसमें भी मैंने सिंगिंग किया है और अब तक मैं स्टेज पे आती ही रही हूँ, बराबर परफॉर्म किया है मैंने। तो मुझे ये लगा कि संगीत का जो ये बड़ा मीठा सा सफ़र था अभी भी जारी है। तो इन 50 सालों में या इस समय तो मैं 58 के करीब हो रही हूँ और 2 साल बाद मेरा रिटायरमेंट भी है यहाँ से, लेकिन हाँ मुझे पंतनगर बहुत अच्छा लगा और यहाँ से मुझे मोटिवेशन भी बहुत मिली है। यहाँ से मुझे कहना चाहिए बहुत सारा सम्मान और प्यार, जिसको कहते हैं आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का प्यार, और बच्चों बीच बीच में जो मुझे बच्चे मिलते रहे यूनिवर्सिटी के भी, तो वो मुझे जिस तरह से सम्मान दिया है उन्होंने और मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनको भी सिखा सकूं, तो काफ़ी बच्चे मेरे, कई जैसे गौरव है, दीपशिखा हैं और भारत हैं, ये लोग मेरे पास आते थे सीखने के लिए। तो स्निग्धा है, बल्कि इन्होंने सुरेश वाडेकर एकेडमी में भी जा करके सीखा था, तो ये आकर के मुझसे बहुत वो हुए थे कि नहीं मैम आपने सिखाया तो हम वहाँ सेलेक्ट हो गए और हम आपकी वजह से वो कर पाए हैं, संगीत में इतना बढ़ पाए। तो काफ़ी बच्चे मुझसे सीखते रहे। अमित यहाँ के, जो कि गूगल में उन्होंने जॉब किया था, यहाँ के गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो भी, इसमें टेक कॉलेज से थे वो भी। तो अमित मेरे पास आते थे अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल अपनी क्लासेस भी इनको दिन भर करनी है, 5 बजे आके वो मेरे पास रियाज करते थे। तो इस तरह से मेरे पास कई बच्चे ऐसे आए हैं जिनका नाम तो मैं अभी हो सकता है भूल रही हूँ, लेकिन हाँ मुझसे काफ़ी लोगों ने सीखा और मुझे ये लगा कि एक छोटी से यहाँ जगह पे पंतनगर में होते हुए मेरा नाम जो है वो बॉम्बे तक गया कहना चाहिए। तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं कहीं तक नहीं पहुँच पाई, पर मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, मेरे सिखाए हुए बच्चे बहुत दूर दूर तक गए, इसमें विदेशों में भी हैं वो। तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं इस यूनिवर्सिटी की छात्रा भी रही और मैं इस यूनिवर्सिटी में आज कैंपस स्कूल में जो सेवाएं दे रही हूँ, उन बच्चों को जो सिखा रही हूँ, वो भी बच्चे बहुत अच्छे निकल रहे हैं और संगीत को बहुत करीब से समझ पाते हैं वो। तो मुझे अपने होने का, यहाँ होने का बड़ा गर्व है। संगीत ब्रह्मांड को आत्मा देता है, मन को पंख देता है, कल्पना और जीवन को हर चीज के लिए उड़ान देता है। तो मैम, संगीत की कला से आपका साक्षात्कार कैसे हुआ? इसमें आपकी फैमिली, टैलेंट और बाकी सारे फैक्टर्स का क्या रोल रहा है? ये जो आपने बात अभी मुझसे कही है, तो इसमें दोनों ही चीजें शामिल हैं। ईश्वर की मर्जी तो देखिए, उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है।
उसने मुझे इस काबिल बनाया है, इस तरीके का मेरा ब्रेन बनाया है, मेरा गला बनाया है, जिस वजह से मैं ये कर पाती हूँ। कई बार लोग मेरी तारीफ़ करते हैं कि आपने बड़ा अच्छा गाया, आपने बड़ा अच्छा किया, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ उनसे कि ये सारी देन जो है वो ईश्वर की है और उसको संभाल के रखना हमारा काम होता है। ये काम मेरी माँ ने मेरे साथ बखूबी से किया है और उन्होंने मुझे बहुत इसमें सहयोग किया हमेशा, गानों के सिलेक्शन के लिए या मैं कभी गलत प्रोनंसिएशन कर रही हूँ वहाँ पे सही उच्चारण सिखाना, उसमें मेरे पापा भी शामिल रहते थे क्योंकि वो साहित्य के बहुत करीब रहे हैं, तो उन्होंने बहुत साहित्य की ऐसी किताबें पढ़ी हैं, ऊँची साहित्य जिसको कहते हैं आचार्य चतुरसेन और रांगे राघव, उन्होंने कभी वो कहना चाहिए जो छिछले राइटर्स रहे जिन्होंने बहुत अच्छा साहित्य नहीं दिया उनको कभी नहीं पढ़ा उन्होंने। मेरे घर में साहित्य की बहुत ऊँचे ऊँचे साहित्यकारों की किताबें आज भी मौजूद हैं। तो ये सहयोग कहते हैं ना, बच्चे का पहला स्कूल जो होता है वो उसके उसकी फैमिली होती है, परिवार होता है, तो मेरा परिवार का जो सहयोग मुझे मिला मेरे मम्मी पापा का, वो सहयोग बहुत बड़ा रहा जिसकी वजह से मैं ये सब कर पाई। और इसको खूबसूरत बनाने में कहना चाहिए कि जब मैं बहुत छोटी थी, जब बच्चा जानता भी नहीं मैं क्या कर रही हूँ, क्या मुझे क्या करना है, उस समय पे जब हम बच्चे पर जो ध्यान देते हैं, जो मम्मी पापा ध्यान देते हैं, वो ध्यान सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और मुझे लगता है शायद उसी ने मेरी इस जर्नी को इतना खूबसूरत बनाया कि जहाँ मैं कभी सिलेक्शन नहीं भी होता था, कभी कभी ऐसा होता था कि भाई मुझे टीचर ने कहा कि नहीं अब इस प्रोग्राम में आप नहीं रहेंगी, तो मैं घर में आके जब बोलती थी कि मम्मी मुझे नहीं रखा है, तो वो कहती थी और मेहनत कर लो यहाँ पे और दूसरे प्रोग्राम में चले जाना। तो इस तरीके की बातें हम लोगों की होती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है और जब फैमिली आपको अच्छे से तैयार कर देती है, फिर जब आप बाहर समाज में कदम रखते हैं, तो मुझे लगता है वहाँ पे आपका आत्मविश्वास अपने आप जागृत होने लगता है। फिर आप लोगों से जो इंटरेक्ट करते हैं, लोगों की जो बातें सुनते हैं, उनके सुनने के बाद जो आप डिसीजन लेते हैं काम करने का, वो आपका डिसीजन बहुत ठोस होता है। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि घर का प्रभाव बच्चों पे बहुत पड़ता है और वो प्रभाव मुझ में आज भी है। आज भी मेरे पापा अगर मुझे कुछ कह दें तो मैं आज भी मना नहीं कर पाती हूँ कि नहीं नहीं मैं ये नहीं है, मैं ये करने वाली हूँ। और कहते भी हूँ तो एक उसका तरीका है हमारे यहाँ कि भाई किसी भी बात को हम लोग बहुत उससे नहीं कहते कि नहीं हमें करना ही नहीं है, उसके फिर हम रीज़न है, उसकी रीजनिंग देते हैं, इस तरीके की बातें। तो बातें तो ये जो एक म्यूजिशियन है, मेरी माँ म्यूजिशियन थी, इस वजह से वो इतना कर पाई कि उन्होंने मुझे आज उस लायक बनाया। तो मैं अपनी माँ को आज भी धन्यवाद देती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ मैं उनके लिए बहुत, कि उन्होंने मेरे लिए बहुत किया। ये सब जो माँ बाप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, उनकी जगह कोई भर नहीं सकता। तो ये सभी को ध्यान रखना चाहिए, ये मेरा रहा कि मेरा सफ़र उन्हीं की वजह से खूबसूरत है इतना। समाज तभी आपको प्यार देता है जब आप खुद अच्छे होते हैं, खुद जब आप सही होते हैं तब समाज आपको प्यार देता है। समाज का प्यार आपको यूं ही नहीं मिलता, और कभी कभी समाज से भी सीख करके आदमी आगे बढ़ता है, लेकिन वो चीज़ बहुत बाद में होती है। तब तक बच्चा समझदार जब तक नहीं होगा तब तक उसको ये समझ नहीं आएगी कि समाज क्या कहना चाहता है, समाज को क्या चाहिए। वो समझ करीब जाती है जब आप 18 ईयर्स ओल्ड और 20 ईयर्स ओल्ड हो जाते हैं, उसके बाद आपको पता लगता है कि समाज क्या चीज़ है, उसको क्या चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसमें अपना रोल बहुत बाद में आता है व्यक्ति का, पहले तो घर का ही रोल होता है, फैमिली का। मेरा जन्म तो बरेली में हुआ और मैं जब 3 मंथ्स की थी तो तब मुझे यहाँ पर मम्मी लेके आई थी, और उन 3 महीनों के बाद से जो सफ़र यहाँ शुरू हुआ, तो मैं पंतनगर में ही रही क्योंकि पंतनगर में ही मेरी स्कूलिंग हुई, यहीं पे मेरा ग्रेजुएशन हुआ और यहीं जॉब लग गई, और फिर एक विवाह जो संस्कार होता है वो संस्कार भी मेरा, बाय द वे जो मेरे हस्बैंड हैं वो यहीं बहेड़ी में पोस्टेड हैं, तो इसलिए हम लोग यहीं साथ रहते हैं। और पंतनगर मेरी एक कहना चाहिए एक जन्मभूमि ही बन गई, और मैं पंतनगर में रहने की वजह से अपने को शैलपुत्री कहती हूँ, क्योंकि ये मुझे यहाँ पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी से पता नहीं, उनको देखा नहीं मैंने, लेकिन मेरे लिए उनके लिए एक अलग भावना है, एक ऐसा अंदर से वो है विश्वास या कह रही प्यार कि उन एक वो इंसान जिसने कि देखा कि यहाँ जंगल था सिर्फ,
और आज उसने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, उनकी वजह से आज इतनी बड़ी खड़ी हुई, कितने बच्चे लाभान्वित हुए हैं, और मेरा जन्म इसलिए सार्थक हुआ कि मैं यहाँ आ गई। इसलिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को, कि उन्होंने इस जगह को पावन बना दिया यूनिवर्सिटी बना करके। तो मेरे मुझे जो पंतनगर अच्छा लगता है वो इसीलिए अच्छा लगता है कि यहाँ की जो एजुकेशन है, जो बच्चे यहाँ पे आके दूर दूर से भी एजुकेटेड होते हैं, तो ये लगता है कि पंतनगर कुछ खास है, कुछ और जगह से अलग है। और यहाँ की जो कभी मैंने आपको मैं फ़ोटो दिखाने का मौका नहीं मिला मुझे, मैंने बहुत सारे यहाँ के फ़ोटो ले रखे हैं। यहाँ का सनराइज़ देखिए, आप CRC में चले जाइए, आप कहीं चले जाइए, प्राकृतिक सौंदर्य दूर दूर तक है। तो जब यहाँ के पलाश और ये सब खिलते हैं, फूल सड़कों के किनारे लगे हुए, तो रियली मुझे लगता है कि जैसे धरती का जो स्वर्ग है। लोग कहते हैं कश्मीर, मैं कहती हूँ पंतनगर। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पंतनगर, और ये पंतनगर मुझे हमेशा ही, चाहे मैं कहीं चली जाऊँ, मैं इसको नहीं भूल पाऊंगी। आज हम अपने गेस्ट से जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने मार्ग पर आई चुनौतियों का सामना किया और निरंतर आगे बढ़ती रही। जी, बिना चैलेंजेस के किसी की जिंदगी है ही नहीं, जीवन अधूरा है बिना किसी चैलेंज के। चुनौतियां जब तक नहीं होती हैं, सफलताएं नहीं हो सकती। आप सफल तभी होते हैं जब किसी चुनौती को पार करते हैं। मैंने भी पार की। पहले तो ये कि जब मैं स्कूल में थी तो मेरे 700 बच्चे थे, उनके साथ कॉम्पिटिशन रहता था, तो पता नहीं क्यों कुछ ये होता था कि मुझे दूसरे बच्चों से कुछ कम गिना जाता था। अब वो उनके भाई कह नहीं सकती मैं क्या चीज़ थी, लेकिन हाँ वो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। तब मैं सोचती थी कि नहीं, मैं ठीक तो हूँ लेकिन कुछ है गड़बड़। फिर खैर वो पीरियड पार हुआ, फिर मेरा इंटर कॉलेज में बहुत अच्छा रहा। यहाँ यूनिवर्सिटी में आने के बाद एक इंसिडेंट हुआ कि तब डे स्कॉलर और हॉस्टलर्स का एक वो था, मैं डे स्कॉलर थी क्योंकि यहीं मेरे फादर जॉब कर रहे थे, और हॉस्टल की जो लड़कियां थी वो भी पार्टिसिपेट कर रही थी उस प्रोग्राम में। मेरा वो एकदम कहना चाहिए बिल्कुल शुरुआत का टाइम था, तो स्क्रीनिंग चल रही थी यहाँ। तो मैम ने बोला कि स्क्रीनिंग यहीं होगी लड़कियों की हॉस्टल के अंदर, और जो लड़कियां ठीक से यहाँ से सेलेक्ट हो जाएंगी वही वहाँ जा कर के गांधी हॉल में ऑडिटोरियम में जाके सेलेक्ट होंगे। वही लोग उसको फिर दोबारा से स्क्रीनिंग हुई उनकी। खैर कोई बात नहीं, मैंने गाना गाया और उसके बाद मैम बोली कि नहीं रागनी, तुम रहने दो, और दूसरी गर्ल्स जो हैं वो ठीक हो गया है उन लोगों का, आप रहने दीजिए। पर मुझे उस वक्त ये महसूस हो रहा था कि नहीं, ये कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। और मैंने उसी समय पर उनको कहा कि मैं भी जाना चाहती हूँ वहाँ, और मैं वहीं, मुझे अगर वहाँ पे डिस्कार्ड कर देगा कोई, मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन आप प्लीज़ मुझे यहाँ से वो मत कीजिए कि आप नहीं कर सकते हैं। बोले नहीं नहीं, आइए देखिए, आप कंपेयर कीजिए इन लड़कियों से जो उनके और सीनियर गर्ल्स थे उस टाइम पे। खैर उन्होंने जो गाना गाया, तो चूँकि मैं तो क्लासिकल ट्रेनिंग थी मेरे पास मम्मी की वजह से, तो जब उन्होंने गाना शुरू किया हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, तो उन्होंने बहुत हाई नोट से शुरू किया और उसका स्टैंडर्ड और भी ऊंचा है। तो जब उन्होंने शुरू किया तो मैंने कहा मैम प्लीज़ इनसे ये और कह दीजिए कि जो इसका आगे का हिस्सा है वो और गा के सुनाएं। बोले नहीं तुम बहस कर रही हो और ये और वो, तो खैर कोई बात नहीं, एक मेटाडोर जो थी वो लड़कियों के लिए जा रही थी उस टाइम। मैंने कहा नहीं, मैं आज वहाँ ज़रूर गाऊँगी, और रियली मैं पहुँची उस स्टेज पर ऑडिटोरियम में यहाँ के जो गांधी हॉल है, और मैंने जाके वहाँ परफॉर्म किया और मुझे मना नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ वो ओपन फॉर ऑल था, जितने भी कॉलेजेस थे वहाँ सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो मैं वहाँ गई और वहाँ जाके मैंने जब गाना अपना परफॉर्म किया है, तो जो जजेस थे, मुझे सारे जजेस ने 85-95 इस तरह से मार्क्स दिए थे, और वो जो मैम थी उन्होंने मुझे 45 दे रखे थे। तो जो मेन जज थे उन्होंने जब सारे मार्क्स देखे, और वो होम साइंस की जो मैम थे उनको देखा कि इन्होंने इतने कम इसको नंबर क्यों दिए, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई क्या बात हुई थी। उनका हाँ ऐसा हुआ था।
बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा गाया और आगे से तुम यूनिवर्सिटी सॉन्ग टीम में रहोगी। और वो चैलेंज मैंने जो पार किया, उस चैलेंज के बाद से ही मैं यूनिवर्सिटी के कहना चाहिए यहाँ पे लोग मुझे पंत कोकिला कहने लगे, ये मुझे टाइटल मिला था यहाँ से। तो इसको कहते हैं कि अगर मैंने उस दिन मैं डर गई होती, उस दिन मैंने अपने आप को अगर दबा लिया होता कि ठीक है मैम कह रही है तो अब क्या किया जा सकता है, तो कभी कभी हमको अगर लगता है कि हम ठीक हैं तो हमें आगे जाना ही चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई हमसे बड़ा है तो वो सही ही कह रहा होगा, कई बार होता है कि कुछ उसकी भी मजबूरियाँ होती हैं, वो भी हो सकता है किसी मजबूरी की वजह से हमें नहीं आगे जाने दे सकता। लेकिन आपको कभी भी नहीं दबना चाहिए, जब अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप जान रहे हो कि हाँ आप कर सकते हो, तो आपको वो काम करना चाहिए, चाहे आप कितने लोगों आपसे लोग नाराज़ हो जाएं, चाहे कितने लोगों को आपको छोड़ना पड़ जाए ऐसे मौके पे, लेकिन उस वक्त आप अपने चैलेंज को स्वीकार करके और आगे बढ़ जाइए। और आप देख लीजिए जितने लोग भी हैं वो अकेलेपन को कभी भी वो नहीं करते हैं कि हम अकेले रह गए, कहते नहीं अकेला चलो रे, क्यों? क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है काफिला साथ हो, सब लोग आपके साथ हों हर बात में, लेकिन जब आप अकेले चल पड़ते हो तो काफिला अपने आप बन जाता है, रास्ते अपने आप बन जाते हैं। तो ये चुनौतियों को हमेशा अपना और ज़्यादा वो समझिए कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा कुछ होने वाला है, लेकिन आप उनको स्वीकारिए ज़रूर, उनसे आगे जाने की कोशिश करिए। अगर उनसे आगे जाने की कोशिश नहीं करेंगे तो कभी आप अपनी जो चमक है उसको नहीं देख पाएंगे कि आपके अंदर क्या था, क्या आप कर सकते थे। तो ये मेरा सबसे कहना है कि अपने अपने आप को पहचानो और आगे बढ़ो। बचपन से लेकर अभी तक का जीवन आपने पंतनगर की हरी भरी और खुशनुमा माहौल वाली जिंदगी में जिया है, या यूं कहें पंतनगर ने आपको बड़ा होते देखा है। तब से लेकर आज तक आपने पंतनगर में क्या क्या बदलते देखा है? पंतनगर एक बहुत छोटी जगह थी, आज भी उसका एरिया तो उतना ही है, लेकिन अब कंजेस्टेड है। जब हम छोटे छोटे थे यहाँ पर तो हम देखते थे कि हर जगह घास जंगल, यहाँ तक कि जहाँ हम रहते थे उसके भी पीछे जंगल ही जंगल था, ये कॉलोनीज भी नहीं थे इतने ज़्यादा, सिर्फ नेहरू भवन बना हुआ था और शास्त्री भवन, ये इनको हॉस्टल नंबर 1, 2, 3 बोला जाता था। मैं हॉस्टल नंबर 3 के सामने रहती थी और वहाँ के पीछे सिर्फ कॉलोनी थी, और ये जो आज हम होम साइंस हॉस्टल सरोजनी भवन देखते हैं उसके सामने एक लाइन थी बनी हुई। बाकी फिर आप फूलबाग में आ जाइए तो फूलबाग थोड़ा सा यहाँ पे जो पुराने रेजिडेंस बने हुए थे वो बने हुए थे, बाकी बीच में सब जंगल था। ये सोचिए आप, सड़कें भी कच्ची थी, ये इस तरीके की आजकल की जैसे आप सड़कें देख रहे हैं वैसी नहीं थी, ईंटें लगी हुई थी सड़कों में भी, और मार्केट कहीं शॉपिंग सेंटर का नाम नहीं था। जो हम ये नर्सरी देखते हैं ये नर्सरी थी, हाँ, तो नर्सरी के बीच में से एक कच्चा रास्ता जाता था पगडंडी, उससे ही फूलबाग की तरफ जाते थे, इनसाइड तो ये था। और यहाँ पे ये मेन रोड थी नगला से लेके, आप जब अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ से लेकर के, और जब आप इधर आते हैं एरोड्रम, तो एरोड्रम तक पूरी सड़क जाती थी मेन रोड, ये हाईवे की तरह से यूज होता था, मतलब दिल्ली की बसेस जो थी वो यहीं के बस स्टॉप पे मिलती थी। ये जो बीच में वॉल खींच दी गई है वहाँ पे कैंपस स्कूल के पास में, जो जाके आके स्ट्रीट जहाँ पे अलकनंदा भवन और ये वो भवन बने हुए हैं जिसमें रानी चौरी के लिए भी रेजिडेंस बने हुए डबल स्टोरी, वो सड़क अब बंद कर दी गई है, वो पहले खुली थी वहाँ से। और जो बस स्टैंड वहाँ पे बना हुआ है अभी भी, वहाँ पे बसेस रुकते थे दिल्ली वाले बसेस, जो कि अब बाईपास से जा रहे हैं लोग, तब बाईपास था ही नहीं, बाईपास भी बाद में बना है ये। तो इस तरह से यहाँ शॉपिंग सेंटर नहीं था, कुछ एक आध झोपड़ी सी बनी हुई थी चकफेरी नदी पे, उस झोपड़ी जैसे एक स्ट्रक्चर में जो अभी अमित और ये जो मेडिकल स्टोर, रमेश मेडिकल स्टोर है, उनके फादर वहाँ संतरे बेचा करते थे उस जगह पर। तो इस तरह से, और लोगों को जब कभी सामान लाना होता था तो किच्छा और रुद्रपुर जा करके साइकिलों पे सामान लाते थे, कार तो शायद किसी जो यूनिवर्सिटी के कोई ऑफिसर्स थे उन्हीं लोगों के पास कार थी, सबके पास साइकिल जरूर थी, साइकिल भी लोग बाहर जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। यहाँ यूनिवर्सिटी में कोई साइकिल से भी नहीं घूमता था क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी, सब अपने वहीं रह रहे हैं,
वहीं कॉलेज किया, वहीं घर आ गए। तो इस तरह से कोई उस समय पे इस तरीके का डेवलपमेंट नहीं था जो कि बाद में हुए। लाइक ये होम साइंस कॉलेज भी बाद में बना, हमने बनते हुए देखा, इसकी बिल्डिंग को देखा बनते हुए कि अब होम साइंस कॉलेज बन रहा है। और ये 456 456 चित्रंजन भवन, ये भी हमारे सामने बना। हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग स्कूल जाया करते थे और उसको बनते हुए देखा करते थे। तो इस तरह से यही शॉपिंग सेंटर भी सब सामने बना। तो जैसे जैसे मैं देख रही थी कि मैं बड़ी हो रही हूँ ना, मेरा पंतनगर भी वैसे वैसे डेवलप कर रहा है, वैसे बड़ा हो रहा है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि पंतनगर ने मुझे नहीं अपनाया होगा या मैंने पंतनगर को अपनाया, दोनों ने एक दूसरे को अपनाया। दोनों मतलब कहना चाहिए हम लोग घुल मिल के बड़े हुए हैं। तो इसलिए पंतनगर की हर चीज मेरे अंदर, मैं भले ही हार्ड मांस की बनी हूँ पर मेरे अंदर पूरा पंतनगर समाया हुआ है। मुझे लगता है कि मैं पूरी एक पंतनगर ही हूँ। तो ये मुझे बड़ा, इसीलिए मुझे ज्यादा गर्व होता है कि जो लोग यहाँ के बच्चे जो बड़े, मैंने भी कई पीढ़ियां भी देख ली भाई। ये समझिए मैं खुद पढ़ी हुई, पढ़ी लिखी यहाँ पर, उसके बाद फिर मैंने कैंपस स्कूल में जॉब करी, वहां जो बच्चे बड़े हुए अब उनके भी बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं तो उनको भी मैं पढ़ा रही हूँ। इस तरीके से हमने तीन पीढ़ियां देख रहे हैं, हम तीसरी पीढ़ी में जा रहे हैं अब हम। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ के जितने भी वाइस चांसलर सर रहे हैं वो सब भी मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं म्यूजिक में हमेशा रही, तो आज भी अगर किसी मतलब किसी से भी पूछेगी रागिनी मैम को आप जानते हैं क्या, एवरीबडी नोज मी, कोई कह नहीं सकता है कि हाँ रागिनी जो है, मैं याद नहीं करेगा कि उसको याद नहीं करना पड़ेगा कि रागिनी कौन है। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ के लोगों में जब मैं शुरू से जो रही हूँ उसका जो प्रभाव लोगों पे पड़ा है वो बड़ा पॉजिटिव है और बहुत ही मतलब मेरे लिए जो एक सम्मान और प्यार है यहाँ के लोगों में। तो मैं कहूँगी कि पंतनगर को मैंने जिया है, मैं पंतनगर को जीती हूँ और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। हर कोई कोई जगह किसी को इतना सम्मान नहीं दे सकती जितना सम्मान मैंने महसूस किया है पंतनगर से। यूनिवर्सिटी सॉन्ग की कुछ खास विशेषताएं और साथ ही यह किस राग में गाया गया है? देखिए जैसे हमारा अभी हमको आपने बताया कि जो हमारा यूनिवर्सिटी सॉन्ग है जिसे हम कुलगीत कहते हैं, तो एक कुलगीत के अंदर जो जितनी खूबियां होनी चाहिए, जो उस जगह की खूबसूरती होती है, उसकी जो उसका जो वर्णन किया गया प्रकृति का इसमें, वो इसका मेन आकर्षण है। उसको कहना चाहिए वो इसका प्रमुख आकर्षण है, वही उसकी जान है कहना चाहिए। जब वो कहते हैं ना कि हरित छवि हरित स्वर्ण छवि सौरभमय हो, इसकी लाइन जैसे लगता है हरित स्वर्ण छवि, यानी कि जिसने बनाया है इस गीत को वो उसने कितनी गंभीरता से इसको गहराई से इस टुकड़े को देखा होगा पंतनगर के कि जो वो इस चीज को लिख पाया। तो जैसे हमारा वंदे मातरम है जिसमें पूरे देश की खूबसूरती का वर्णन किया गया है, ऐसे ही इस गीत में जो पूरा उन्होंने कहा है कि जैसे आप आपको मैं थोड़ा सा गा के सुना सकती हूँ। जय हो नवयुग निधि की जय हो, जय हो नवयुग निधि की जय हो, पावन हिमगिरि के चरणों में शीश झुकाए विशद तराई, सस्य श्यामला तरु तृण वसुना सहज उर्वरा धरणी सुहाई, इसके हृदय कमल में विकसित हरित स्वर्ण छवि सौरभमय हो। जय हो नवयुग निधि की जय हो, जय हो नवयुग निधि की जय हो। तो जय हो नवयुग निधि, ये तीन वर्ड हैं, ये क्या कर रहे हैं कि हर दिन नया दिन होता है ना जैसे, तो जय हो नवयुग तो पता नहीं कब लिखा गया था, जब ये स्टार्ट हुए थे 62 में, लेकिन उनको पता था कि यूनिवर्सिटी हर दिन नई नई दिखेगी, हर दिन इसमें एक नया विकास होगा। तो जय हो नवयुग, एक नए युग का रोज, युग एक नहीं होता कि आज का दिन ही एक युग है, जब वो जुड़ता जाता है वो युग कहलाना अलग बात है, लेकिन हर दिन एक युग के समान है अगर हम उसे पूरी तरह से देखें, पूरी तरह से जिएं, उसको समझें। तो एक दिन को भी समझना बहुत मुश्किल होता है,
और हमारे सान्याल सर थे यहाँ पर जिन्होंने इसकी धुन बनाई है। रियली मुझे इतना आकर्षित करता था जब मैं छोटी थी, जब मैं यूनिवर्सिटी में ये हुआ करते थे प्रोग्राम, और मैं जब कभी आती थी और यूनिवर्सिटी सॉन्ग अगर निकल जाता था तो मुझे लगता था कि जैसे सब कुछ छूट गया, सब बेकार, सारा प्रोग्राम बेकार। और यूनिवर्सिटी सॉन्ग मुझे तब से ही बड़ा अट्रैक्ट करता था। और देखिए, कहते हैं ना, जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है वो चीज़ आपको मिल जाती है। और जब मैं बड़ी हुई तो मैं इस यूनिवर्सिटी सॉन्ग को लेकर के इसकी मैंने लीड वॉइस को आगे बढ़ाया, इसको मैंने लीड वॉइस में गाया है, तो इसलिए इससे एक अलग प्यार है। और जो जो राग इसमें डाला गया वो यमन राग में डाला गया इसको, क्योंकि यमन एक बहुत ही अट्रैक्टिव राग है और इवनिंग राग है। और यमन की जितनी भी रचनाएं होती हैं बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, जैसे जब दीप चले आना, जब शाम ढले आना, देयर आर सो मेनी फिल्मी सॉन्ग्स। आप देख सकते हैं कि जब भी आप कभी यमन को सुनोगे ना तो आपको लगेगा कि आप कोई बहुत मीठी चीज को सुन रहे हो। और कभी भी जैसे जब प्राकृतिक सौंदर्य हो या कोई संध्या का सौंदर्य हो, जब दीप जले आना, इन ये जो लाइनें थी ना मैंने आपको सुनाई, जब दीप जले आना, दीप जले यानी कि इवनिंग, तो क्यों, क्योंकि इवनिंग में जब हमारे वो हो रहा है तो इवनिंग में हमेशा जितने भी इवनिंग के वो होंगे वेडिंग्स, तो उसमें हम हमेशा यमन को ही लेते हैं। जैसे कि भोर में हम हमेशा किसको लेते हैं, राग भोपाली, जैसे ज्योति कलश छलके, अगर मतलब सुबह के वर्णन है कविता में तो हम सुबह के राग को लेते हैं, तो इस तरह से। लेकिन यमन राग का अपना एक अलग प्रभाव है, एक अलग मिठास है, और इसीलिए और भी अच्छा लगता है ये। तो इसके जो यूनिवर्सिटी सॉन्ग की बातें थी मैंने आपको बहुत डिटेल में बताई हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं इसके बारे में कभी भी चर्चा करती हूँ तो लगता है कि जैसे कि हाँ, वो कहती हूँ ना मैं कि मैं पंतनगर मेरे अंदर ठुसा हुआ है, बसा हुआ है, तो रियली ये गीत भी मेरे अंदर ऐसे ही बसा हुआ है। और मैं इसको हमेशा इसका सम्मान करती हूँ, इस गीत का, और सबको ही करना चाहिए, और उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने ये गीत लिखा और जो इसकी कंपोजिशन की है। रियली मार्वेलस। आप इस प्रसारण के माध्यम से अपने कुछ उन विद्यार्थियों के बारे में बताइए जिनसे आप बहुत ज्यादा कनेक्ट फील करती हूं। तो आपने बड़ा अच्छा ये अभी प्रश्न छेड़ा है, और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा बताने में, क्योंकि वो बच्चे भी बहुत मुझसे जुड़े हुए हैं। आज भी वो भले ही कहीं रह रहे हैं, दूर हैं, विदेशों में हैं, लेकिन वो मुझे नहीं भूल पाते हैं। किसी कभी भी जब बात होती हमारी, फ़ोन पे भी हो जाती है कभी कभी, कभी व्हाट्सएप भी आते हैं, तो जो भी मौके मिलते हैं मिलने के, बात करने के, हम लोग ज़रूर मिलते हैं और फिर से पुराने दिन याद करते हैं। तो उसमें मेरे एक सबसे, मैं छोटी बच्ची से शुरू करूँगी, एक यहाँ पे हमारे जो प्रिंसिपल सर थे जोसेफ जॉन सर, तो उनकी बिटिया मुझसे सीखती थी, और आज वो इस समय साउथ में है, केरला में। और अभी क्या कहते हैं, एक मेरे पास और बच्ची आती थी, रूपाली सिन्हा। ये समझिए कि उसको गाने का शौक तो था लेकिन उसे उसे गाना आता नहीं था, मतलब उसको, मतलब कहना चाहिए एक जो होता है स्वर की समझ, ताल की समझ, वो उसको उतनी नहीं थी, लेकिन उसे बहुत अच्छा लगता था गाना। ये समझिए धीरे धीरे करके वो क्लास थर्ड फोर्थ से आती थी, और जब तक वो यहाँ क्लास ट्वेल्थ तक रही है तब तक वो सीखती रही मुझसे। और अभी भी जब भी उससे बात होती है कभी तो वो बड़ी खुश होती है कि हाँ मैम से मेरी बात होती है। वो बात अलग है कि उसने वेटनरी में किया डॉक्टरी, और इन लोगों ने प्रोफेशन अपना म्यूज़िक नहीं अपनाया, लेकिन म्यूज़िक को उन्होंने एक अपने साथ इस तरह से रखा कि वो एक उनको गाइडेंस के उसमें या उनकी जो पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में उनको हमेशा साथ देती रहे। तो इस तरह से इन्होंने सीखा। फिर मेरे यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स मुझसे सीखने आए, अभी जिनका मैंने नाम लिया भी था, जैसे गौरव हो गया, दीपशिखा, ये तीनों साथ आते थे मेरे पास, गौरव, दीपशिखा एंड भारत। तो ये जब सीखते थे तो रियली इनको सुन के ही इतना अच्छा लगता था कि इनके अंदर कितना भगवान ने टैलेंट दिया है। और आज भी वो लोग गा रहे हैं, इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, म्यूज़िक को। अब वो कुछ नई टेक्निकल चीज़ों के साथ में आगे जा रहे हैं, और अच्छा लगता है मुझे, मैं जब उनसे बातें करती हूँ और वो जब भी मिलते हैं और इस सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं वो। दीपशिखा अभी इसमें नहीं जा रही हैं, लेकिन फिर भी वो कभी, अभी उन्होंने एलुमिनाई जो हमारा वो था यूनिवर्सिटी सॉन्ग का, वो तो उसमें
थोड़ा सा पार्ट उन्होंने भी गाया है, तो इस तरीके से वो बच्चे आज भी कर रहे हैं। और अमित पांडे, हाँ अमित पांडे को तो मैं भूल इसलिए नहीं सकती हूँ कि उसका जो त्याग था, कहते हैं ना कोई चीज़ जब पानी होती है तो उसके लिए आपको कुछ छोड़ना होता है, कुछ आपको ऐसा करना होता है जो सब कुछ छूट जाए लेकिन वो ना छूटे। उसका 5 बजे आना वो मैं कभी नहीं भूल सकती, कि वो आते ही हारमोनियम लेता था और अपना रियाज जो मैंने उसको सर बता रखे थे कि बेटा ये सीखना है तुम्हें, और एक टेक का लड़का आप ही सोचिए जो टेक में टेक कर रहा है, वो आके बिल्कुल इस तरह से एक छोटे बच्चे की तरह उसका सीखना बहुत बड़ी बात थी उसके लिए, उसके लिए और मेरे लिए ये थी कि एक बच्चा मेरे सामने इस उसमें सीख रहा है, इतनी तन्मयता से सीख रहा है, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। बाद में उसने, बल्कि उसने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे परफॉर्मेंसेस भी दिए स्टेज पे इसी यूनिवर्सिटी में, वो बहुत अच्छा गज़ल सिंगर भी था, अभी भी करता होगा, अभी उससे मेरी बात नहीं हो पाती है, लेकिन एक वैभव गर्व था, वैभव गर्व भी बहुत अच्छा, अभी भी वो फेसबुक पे रहते हैं और गिटार वगैरह लेके वो काफ़ी गाते हैं। और नितिन जी जो कि हमारे यूनिवर्सिटी के ही पढ़े हुए हैं, वो भी काफ़ी मेरे उसमें रहे हैं, उन्होंने मैं वो मुझसे सीखने तो नहीं आ पाए, उनके पास समय नहीं मिला उनको, लेकिन वो प्रभावित ज़रूर रहते हैं मुझसे, जब भी मैं मिलती हूँ तो कहते हैं मैम आपसे मैं ज़रूर सीखूंगा, ज़रूर आऊँगा, और उनको वो वक्त शायद नहीं मिल पाया, लेकिन हाँ उन्होंने अपनी इस जर्नी को ख़त्म नहीं किया और वो इसमें लगे रहे, और मुझे बड़ा गर्व है कि आज मैं उन्हीं की वजह से आपसे आज बात कर पा रही हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि कभी तो टीचर या गुरु बच्चों को चांस देता है, कभी बच्चे भी गुरु को चांस देते हैं, ये बात अभी देखिए सामने आप देख रहे हैं, तो ये कहते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इन बच्चों को मैं कभी नहीं भूलूंगी और उनको, उनके लिए मेरा बहुत आशीर्वाद है कि वो जहाँ भी करें अच्छा करें, और करेंगे ही, कर रहे हैं, बहुत अच्छी उनकी लाइफ रहे। गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन आत्मा नहीं, और संगीत बिन जीवन पूर्ण नहीं। ध्यान, ज्ञान, कर्म, कला, संगीत सब गुरु की ही देन है। तो मैम आपकी इस जर्नी में आपके म्यूजिकल गुरुज कौन कौन रहे हैं? देखिए जब तक आपके जिंदगी में जो कुछ, अगर आप पारंगत होना चाहते हैं किसी चीज में तो बिना गुरु के तो नहीं हो सकते, गुरु होना बहुत जरूरी है। मेरी जिंदगी में भी गुरु आए, और पहले गुरु मेरी माँ रही, और फिर जब मैंने इसमें एडवांस कोर्सेज यानी कि जब मैंने इसमें आपको विशारद किया, फिर मैंने इसमें अलंकार किया, तो ये सब करने के लिए मुझे बाहर जाके सीखना पड़ा, और मैंने बरेली में सीखा है म्यूज़िक, ग्वालियर घराने से हैं वो, तो पहले तो भट्ट जी थे, एक सर भट्ट थे, वो उसमें बरेली कॉलेज में ही वो थे, लेकिन वो उतना, क्योंकि उस टाइम पर बीमार पड़ गए वो, तो मुझे नहीं उतना वो सिखा पाए। उसके बाद श्री शशिकांत अग्निहोत्री जी जो कि बरेली के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसमें म्यूजिक डिपार्टमेंट में थे वो, तो उन्होंने मुझे सिखाया, और वो भी ग्वालियर घराने से ही थे, तो इस तरह से उन्होंने जो मुझे जिस तरह घर की तरह से सिखाया, जैसे घरेलू, मैं उनके मतलब मुझे कभी नहीं लगा कि वो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में मैं जा रही हूँ, और वो उन्होंने मेरी बारीक बारीक बहुत छोटी छोटी चीज़ों को संभाला सुधारा, क्योंकि संगीत जो होता है वो एक दिन की चीज़ नहीं है, और एक एक स्वर पे बहुत बहुत अभ्यास करना पड़ता है, आपको एक सुर निकालने के लिए महीनों लग जाते हैं, और वो जो उन्होंने मुझे अभ्यास कराया है वही अभ्यास मेरा आज तक काम आ रहा है। अब आजकल मैं उतना अभ्यास नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जिस समय मुझे ये कोर्सेस करने थे उस समय मैं 3 बजे उठ जाया करती थी सुबह, और 3 बजे उठ करके जो भी मुझे गुरु, अब आप ये सोचिए रहना मेरा पन्नगर रहता था, लेकिन मैं हर संडे बरेली जा करके उनसे सीख के आती थी, और मेरा पूरा दिन लग जाता था आने जाने में, लेकिन मुझे लगा कि नहीं मुझे गुरु की आवश्यकता है, और बिना गुरु के मैं नहीं सीख पाऊंगी, तो मुझे श्री शशिकांत अग्निहोत्री जी ने जो सहयोग दिया है इसमें आगे बढ़ने में, मैं उनका हमेशा, उनके हमेशा शुक्रगुजार हूँ, और उनके लिए मैं हमेशा सर झुकाकर उनको नमन करती हूँ हमेशा, कि उन्होंने मेरे जीवन में जो संगीत की सही शुरुआत और जो एक सही उन्होंने मुझे गाइडेंस दी है वो मेरे जीवन के लिए, मेरे संगीत के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी थी। तो गुरु का होना और सही गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को आगे पढ़ना चाहते हैं, अच्छी तरह उसको करना चाहते हैं, नॉट ओनली इन म्यूज़िक,
आप कोई भी अगर आप विद्या सीखना चाहते हैं, किसी भी विधा में जाना चाहते हैं, तो आप प्लीज किसी अच्छे गुरु को जरूर तलाशिए। वो हो सकता है कि आपका गुरु सामने से भी हो सकता है, और आपका आजकल तो YouTube है और भी चैनल्स हैं, इस टाइप से आप कभी TV पे कोई टॉक सुन लेते हैं, कभी न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, कोई मैगजीन ले लेते हैं। तो प्लीज़ ज्ञान के लिए कभी अपने को रोकिए मत, ज्ञान हर जगह से लीजिए। और गुरु जो होता है वो एक आपको सिस्टम में डालता है और उसको सिस्टमेटिकली सिखाता है। और हमारा संगीत तो जो है वो रियली वो है ही गुरुमुख विद्या, उसको गुरुमुख विद्या कहा जाता है कि गुरु जैसा गाएगा, जैसा आपको समझाएगा, आप एक गुरु के कहना चाहिए आप पूरे प्रतिबिंब हो, जो आपके गुरु ने आपको डाला है आपके अंदर, वही आपको आप परिलक्षित करते हो, वही आपसे दिखाई देता है। तो मैं ये कहूँगी कि जब मैंने एग्जाम दिया इसका एम्यूज का, तो मैं एग्जाम दिल्ली में दे रही थी, तो जो मैडम थी उन्होंने जैसे मेरा गायन सुना, तुम किसे सीख रही हो, अग्निहोत्री जी से सीख रही हो, मतलब ये आप ही देखिए उनकी छाप कितनी होगी कि उन्होंने तुरंत उन्होंने नाम लिया। उन्होंने ये तो पता ही था उनकी उनको कि मैं बरेली से सीख रही हूँ, और बरेली में उनका कितना बड़ा नाम होगा कि उन्होंने तुरंत उनका नाम लिया। तो इसको कहते हैं कि गुरु जब पारंगत होता है, तो गुरु के पारंगत होने से जब शिष्य वहां जाता है तो वो भी पारंगत होके निकलता है भाई, ये तो मानी हुई बात है। तो आप हमेशा अच्छा गुरु तलाशिए, ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने जीवन में जब भी कुछ पाना चाहें तो एक ऊंचे से ऊंचे गुरु को देखें, ऊंचे मतलब जिसको अपनी विद्या का पूरा ज्ञान हो। और कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़े बड़े बोर्ड जहां लगे हैं शिक्षा के वो लोग अच्छा सिखाएंगे, नहीं, मेरे गुरु जी के वहां कोई बोर्ड नहीं लगा है। मैंने उनसे पूछा भी कि आपने कोई बोर्ड नहीं लगा रखा है अपने सिखाने का, बोले बेटा जिसको ना सही सीखना होगा अपने आप यहाँ आ जाएगा, और जिसे नहीं सीखना है मुझे भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है। और वो मेरी इतनी वो करते हैं, सम्मान करते हैं, कहते रागनी तुम्हारे जैसा स्टूडेंट नहीं देखा मैंने कि जो इतनी दूर से आकर के और इतना सीख के चला जाए। और आज उनकी बदौलत मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं म्यूजिक में, और ये सब मैंने शादी के बाद ही किया। गुरु की पहचान देखिए, ऐसा होता है कि आप जब आप काम करना शुरू करते हैं किसी भी काम पे, तो आपको धीरे धीरे आप जब बाहर निकलना शुरू करते हैं तो कई नाम ऐसे होते हैं जो आपको सुनाई देने लगते हैं अपने आप ही कि भाई ये व्यक्ति अच्छा है, इसमें इतनी नॉलेज है, तो वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसने कहाँ से शिक्षा ली है, आपको इतना तो पता करना पड़ेगा कि वो उन्होंने कहाँ से क्या किया है ना। तो जैसे मुझे पता लगा कि ये जो हमारे श्री भट्ट जी हैं उनके ही शिष्य हैं ये, तो कहीं शक की गुंजाइश ही नहीं रह गई, क्योंकि वही इतने चोटी के संगीतकार रहे कि उन बरेली में उनसे जब तक वो रहे तब तक उनके आगे कोई टिकता ही नहीं था। यहाँ तक कि किशोर कुमार जी एक बार आए और उन्होंने कहा हमारे अग्निहोत्री सर जी से कि भाई सर आप तो बहुत अच्छा गाते हैं, आप यहाँ कैसे हैं बरेली में? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था और कहा कि भाई देखिए आप तो बॉम्बे में चले गए, अब यहाँ के लोगों के लिए भी तो कोई चाहिए था, सब लोग अगर अपना अपना ख्याल कर लेंगे तो लोगों को कौन सिखाएगा, तो मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा काम है। तो किशोर कुमार जी जो थे वो उनको सुनकर के बड़ा वो लगा कि हाँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ऊंची जगह पे पहुँच जाएं, किसी मीडिया पे पहुँचेंगे तभी आप एक बड़े बड़े कलाकार हैं। कलाकार हर जगह कलाकार होता है ये मान के चलिए, आप जंगल में बैठे हैं तो भी कलाकार हैं, और मैं जंगल में बैठी हूँ मैं भी कलाकार हूँ। मैं अपने आप को इस मामले में कभी किसी से कम नहीं समझती, क्यों, क्योंकि मुझे रियली लोगों को लगता है कि बॉम्बे जाके या TV पे आना बहुत जरूरी है, नॉट नेसेसरी। आप अपने काम के लिए बस लगन लगाए रखिए, वही काम आपका, आप अगर चार लोगों को बताते हैं अच्छी तरह से समझा रहे हैं, आप अपने काम को समझ गए यही बहुत बड़ी बात है। अब उसको समझाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको किसी मीडिया पे जाना जरूरी है, आपसे अगर कोई सीखना चाहेगा तो आप तक अपने आप ही पहुंच जाएगा। अब ये बच्चे पता नहीं कैसे भाई मेरे पास अपने आप ही आ गए, मैं कोई इनको बुलाने थोड़ी गई थी कि भाई आप आइए मुझसे सीखे, मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया, कभी इनवाइट नहीं किया। तो जो आप कह रहे हैं कि गुरु की क्या पहचान है, गुरु की चमक ही ऐसी होती है कि वो छुप नहीं सकती। जो सही मायने में ज्ञानी होगा उसका ज्ञान अपने आप फैलने लगता है, ज्ञान का तो प्रकाश कहते हैं ना, ज्ञान का प्रकाश होता है, वो छुप नहीं सकता, जैसे सूरज भी बादलों को चीर के आगे दिखते ही रहते हैं,
कितना भी बादल आ जाए सामने से, कभी बहुत अंधेरा नहीं हो जाएगा कि आप देख ना सके। तो इसी तरह से गुरु का एक प्रकाश अलग होता है, इसलिए गुरु की पहचान के करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संगीत सीखने में रुचि रखने वाले लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगी? जो बच्चे या जो बिगनर्स या जिनके अंदर इच्छा है कि हम म्यूजिक को जिंदा रखें अपने अंदर, तो उनको ये बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि वो किसी इंस्टीट्यूट में जाके ही सीखें। आपको बहुत से ऐसे अब चीज़ें, हम लोगों के पास तो आजकल इतने गैजेट्स हैं कि आप उनसे सीख सकते हैं भाई, आप मोबाइल चलाइए उसमें आपको म्यूजिक मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपके अंदर ये चाहत होनी चाहिए कि आप म्यूजिक को सुनिए। गाने से पहले या उसको परफॉर्म करने से पहले आप एक अच्छे लिसनर बनिए। इवन जब आप बात भी करते हैं तो आप देखिए कि कुछ लोगों की आदत होती है बात के बीच में ही बोलना शुरू करना, लेकिन आप जब अच्छे लिसनर होंगे ना, सुनना सीखिए बात को, पहले सब्र सीखिए। म्यूजिक हमें सब्र सिखाता है, तो आप सब्र से पहले अपने आप के को मुखरित करने की बजाय आप ये देखिए कि आप उतने गहरे बनिए। पहले उसको सीखने के लिए पहले आप अपनी इच्छा जागृत करिए कि आप कितने गहरे हैं, और वो गहराई आपको तब पता लगेगी जब आप दूसरों को सुनते चले जाएंगे। सुनने के लिए ये है, अच्छे लिरिक्स होने चाहिए, आप अच्छी भाषा के लिरिक्स ढूंढिए। ये नहीं कि जैसे आजकल की उल्टी सीधी भाषाओं में जो बन रहे हैं गीत, आप उन्हें सुने, आप उत्कृष्ट भाषा के जो जितने गीत हैं उनको देखिए, फिर आप ये देखिए कि उनकी जो धुनें हैं वो किस तरीके की बनी हुई हैं, वो लोगों के सामने सुनाने लायक हैं या नहीं है। ये चीज़ें जो एक म्यूजिशियन होता है वो बाई बर्थ होता है, मैं आपको बताऊँ तो बाई बर्थ होने की वजह से आपको इतनी समझ आने लग जाएगी कि आप क्या कर रहे हैं। तो जो आप म्यूजिक सुने और जो आप गाएं, दोनों में ये होना चाहिए कि पहले आप सुनने की प्रैक्टिस कीजिए। जितना सुनेंगे उतना अच्छा गाएंगे और उतनी ही गहराई से गाएंगे। तो हमें जैसे कि एक पेड़ को सींचना पड़ता है, उसको खाद लगानी पड़ती है, उसको पानी देना पड़ता है, तो जो हमारा अभ्यास है, जो हमारी लिसनिंग है, जो हमको क्या कहते हैं कि, और एक ये है कि कहीं से भी नॉलेज मिल रही है हमको, चाहे वो न्यूज़पेपर है, चाहे आपकी मैगजीन्स हैं, जहाँ भी कभी टॉक आती हैं टीवी पे, तो जो भी आपको ज्ञान दे रहा है वो वहाँ से आप लेते रहिए, क्योंकि आप हमेशा एक खाली बर्तन बने रहिए और उसे भरते रहिए। जितना आप अपने आप को खाली समझेंगे उतना ही आगे जाएंगे। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि ठीक है मेरे पास अब तो ये डिग्री हो गई, मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, या मैंने तो MPhil कर लिया या PhD कर लिया, जो भी डिग्रियाँ हैं, डिग्री से कुछ नहीं होता है। आप जो हैं वो आपके सीखने का ढंग, आपके बोलने का ढंग, आपके गाने का ढंग, आपके सुनने का ढंग, आपने अपने आप को कितना भरा है, और अभी भी आप खाली हैं। इतना भरने के बाद भी जब आप खाली महसूस करें तब समझिए कि आप ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, वरना आपका जो विकास है, आपका ज्ञान है, वहीं के वहीं बंद हो जाएगा। और जैसे पानी एक जगह रुक करके सड़ने लगता है, दुर्गंध देता है, वैसे ही हमारा ज्ञान फिर ज्ञान नहीं रह जाता। ज्ञान को ज्ञान बने रहने के लिए अज्ञानी बने रहना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को खाली रखिए हमेशा, कभी अपने को भरा हुआ महसूस मत करिए, कभी सैचुरेशन पॉइंट पे मत जाइए, क्योंकि हर सफलता के आगे फिर एक नया आयाम है। जय हो नवयुग निधि की जय हो। हर समय एक नया युग तैयार है आपके सामने। आज का दिन गया, आज की बात गई, अब नया कुछ होने वाला है। तो परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, और परिवर्तन तभी आता है जब हम खाली रहेंगे, ये बहुत जरूरी है। आज के समाज में संगीत और साहित्य का क्या महत्व रह गया है? सरकार को ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए? मैं संगीत के जो बेनिफिट्स हैं समाज के लिए, उनके लिए जरूर कहने के लिए मेरा बहुत देर से मन हो रहा है कि मैं उसके बारे में जरूर बात करूं। और क्योंकि बिना समाज के लिए जो चीज फायदेमंद नहीं है उसके लिए यहाँ पर बैठकर चर्चा करना ही बेकार है। तो आज हम अगर यहाँ बैठे हैं तो जो मैं जिस माध्यम से हम आप तक पहुँच रहे हैं वहाँ से मैं ये कहना चाहूँगी कि संगीत को इतना संकुचित भाव से ना देखा जाए। संगीत की जो एक परिभाषा है वो केवल हॉबी तक न रह जाए। मैं चाहती हूँ कि जो हमारा शास्त्रीय संगीत, जिसे भरत मुनि ने शुरुआत की, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत सीखा होगा
वो भरत मुनि का नाम जानते होंगे, और अगर जिसने भरत मुनि का नाम नहीं सुना है तो समझ लीजिए वो सच्चा भारतीय है ही नहीं। क्योंकि अगर हम वेदों की बातों को नहीं दोहराएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी वेदों को भूलती जा रही है, जबकि ज्ञान जो भरा हुआ है वो वेदों में है। लेकिन हो क्या रहा है कि हम ज्यादातर ये देखते हैं कि हम किस तरह से अर्निंग किस तरह करेंगे, पैसा किस तरह कमाएंगे। इस दौड़ ने सबको कलाओं से बहुत पीछे छोड़ दिया। कलाओं को कहा कि पीछे छोड़ दो और सिर्फ अपनी डिग्री हासिल करो और आगे जा करके तुम्हें, क्योंकि एक प्रोफेसर बनना है, एक डॉक्टर बनना है, एक इंजीनियर बनना है, बनिए। आप सच्चे मायने में इंजीनियर बनिए, आप सच्चे मायने में डॉक्टर बनिए। ये नहीं कि वो एक प्रोफेशन है इसलिए उसमें बहुत पैसा है इसलिए जाना है। नो, आप सच्चे डॉक्टर बनिए, सच्चे मन से चिकित्सक बनिए, ऐसे ही सच्चे मन से गायक बनिए। गायक बनने के लिए भी बहुत निर्मलता चाहिए, सहजता चाहिए, कोई चालाकी नहीं, कोई किसी से धोखाधड़ी नहीं, बहुत ईमानदारी, बहुत ही जो निर्मल लोग होते हैं हृदय के, जो आपको कहते हैं ना आवाज, वो वही आवाज के धनी होते हैं। आवाज उन्हीं की अच्छी लगेगी जो हृदय से निर्मल होंगे। अगर उनके मन में कटुता भरी होगी तो उनकी आवाज कभी आपको अच्छी नहीं लगेगी। माँ की आवाज क्यों अच्छी लगती है, माँ क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि वो निर्मल होती है, वो निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करती है, आपको बड़ा करती है। तो वैसे ही ये कलाएं हमको बड़ा करती हैं, हमको पालती पोसती हैं। तो संगीत भी उनमें से एक है। और भरत मुनि को मैं इसलिए नहीं, मैंने जब उनके बारे में पढ़ा कि भाई उन्होंने दो वीणाएं बनाई, एक चल वीणा और एक अचल वीणा, और लिख क्या रहे थे वो, नाट्य शास्त्र। आप ये देखिए आज का सिनेमा, आज भी सिनेमा के अंदर म्यूजिक जो है वो बैकग्राउंड से बजता है। यानी कि उन्होंने तब नाट्य शास्त्र में ये चीज महसूस करी थी कि संगीत की नाटक में जरूरत पड़ेगी, और उन्होंने उन सच्चे सुरों की खोज की जो कि आज भी हम उनको कहते हैं सारे गामा पाधानी। वो स्वर भरत मुनि ने अपने सामवेद में, नाट्य शास्त्र में इनकी खोज करी और दो वीणा बनाई उस टाइम पे। एक तो चल वीणा बनाई, एक अचल वीणा बनाई। अचल यानी कि जिसमें कि उन्होंने रे रे गा मा और ध और नी ये स्वर स्थापित किए, सा और पा ये अचल स्वर जिन्हें कि हम नहीं चेंज कर सकते हैं, ये हमेशा एक जगह पे रहेंगे, इनको हम इनको अचल स्वर कहते हैं। तो इन उन्होंने दो वीणा बना करके और इतना बड़ा संगीत का निर्माण कर दिया। उन सात सुरों ने देखे क्या हलचल मचा दी, इतने गीत बना दिए, इतनी धुनें बना दी। और संगीत का जो अगर आप नाता देखें एक मानव से, तो जब वो पैदा होता है ना, तब से माँ की लोरी सुन सुन के ही वो तो बड़ा हो रहा है भी। उस समय पे भी अगर वो रो रहा होता है और माँ अगर हल्के से ऐसे बोल दे, आजा री निन्नी आजा बच्चे को सुला, वो तो सो जाएगा। तो वो जो म्यूजिक उसने उस समय पे सुना, तो इस तरह से पहले तो जो म्यूजिक होता है शास्त्रीय संगीत में, तो बाद में आते हैं हम, जो पहले म्यूजिक है घर से जो शुरू हो रहा है, जो सोसाइटी में शुरू हो रहा है, कितने संस्कार होते हैं हम लोग, इसीलिए शादी के गीत अलग हैं हमारे हमारे जन्म जिस समय आपका ये होता है संस्कार, जिस समय बच्चा पैदा होता है जिसको कहते हैं कि आपका वो क्या कहते हैं उसको, मुंडन संस्कार है आपके, ये नाम रखने का जो संस्कार होता है जिस दिन, इस तरीके से कई ऐसे हमारे संस्कार हो रहे हैं जिनमें कि संगीत उनका अलग अलग है। और संगीत के अंदर वो शक्ति है, संगीत के अंदर वो शक्ति है कि आप किसी को रोते को हंसा सकते हो, है ना, हंसते को रुला सकते हो। इसीलिए देखिए सैड म्यूजिक होता है अलग, अभी कोई अगर कोई ऐसी स्थिति आ गई जहाँ पे कि आप ज़्यादा उछल कूद के गाने नहीं गा सकते, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ सैड म्यूजिक बजता है। शादी के देखिए कितने पैपी सॉन्ग होते हैं, वहाँ जाके आप उछलिए नाचिए कूदिए। इस तरह से जो म्यूजिक है उसके अंदर साउंड्स हैं, और साउंड्स क्या करते हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ा असर डालते हैं। हर जैसे हम डराना चाहें तो साउंड से तो डराते हैं, तो वो चीज़ें हम सिनेमा में भी लेते हैं। और ये सारी चीज़ें हमें भरत मुनि ने बड़े अच्छे से उसमें समझा रखी हैं। आप कभी देखिएगा, नाट्य शास्त्र को पढ़िएगा, और जितनी भी ऋचाएं हैं, श्लोक हैं, सब मात्राओं में बंधे हुए हैं।
आप किसी चीज को भगवत गीता कहा जाता है, क्यों कहा जाता है भगवत गीता, गीता यानी कि जिसे गाया जा सके, यानी हर चीज मात्राओं में बंधी, हर चीज लय में बंधी है, और जब तक हम लय में नहीं होते हैं तो क्या होगा, एक दूसरा शब्द है प्रलय, यानी कि प्रलय रहेगी, प्रलय यानी कि एक बैलेंस खत्म होता रहेगा, वहां पे बैलेंस नहीं रहेगी जिंदगी। तो लाइफ के बैलेंस के लिए हमको संगीत का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, और सीखना बहुत जरूरी है। क्यों सीखना जरूरी है, क्योंकि अगर हम सिस्टम में नहीं आएंगे सीखने के, तो फिर उसको हम उस तरह से नहीं कर पाएंगे, अपनी जिंदगी पे हमारे वो असर नहीं पड़ेगा जो कि संगीत का, हमारे पॉजिटिव जो असर पड़ने वाला है वो नहीं पड़ पाएगा। तो मैं ये कहूँगी कि संगीत का जो जन्म से लेकर के और पूरी जिंदगी तक हमारे असर पड़ता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और बिना संगीत के हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, कहना चाहिए एक एक, एक चीज में संगीत बसा हुआ है। आप अगर किसी हवा को चलते हुए देखें, पानी को बहते हुए देखें, आप पक्षी को उड़ते हुए देखें, हर किसी में आपको लय नजर आएगी, और अगर जहां लय नहीं होती है तो वहां, यहां तक कि जो हमारे ग्रह चल रहे हैं वो भी एक स्पीड में चल रहे हैं, लय में चल रहे हैं, अगर वो बाल बराबर भी कहीं डिसबैलेंस हो जाए तो प्रलय आ जाएगी। ऐसे संगीत में होता है, गीत में हम कहते हैं कि अरे यहाँ पे ये लय से अलग हो गया, गलत हो गया, यानी बीट्स जो चल रही थी उससे अगर अलग हो गया स्वर तो उतनी देर के लिए वो गाना खराब हो गया। तो इस तरीके से देखिए आप कि संगीत को अगर हम सही दिशा में नहीं ले जा रहे हैं, और आजकल जो हमारे संगीत चल रहा है वो सही दिशा में से भटक गया है थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि लोग शास्त्रीय संगीत में नहीं जाना चाह रहे हैं, उसके सिस्टम को जब तक जड़ों से नहीं जुड़ेंगे आप, कोई पेड़ बिना जड़ों के टिक पाया है नहीं, वैसे संगीत की जड़ें हैं, वो संगीत की जड़ें जो हैं वो है शास्त्रीय संगीत। तो थोड़ा बहुत आपको सीखना तो पड़ेगा बेसिक, बिना बेसिक के आप यूं ही ड्रम बजाने बैठ जाएं, या यूं ही आप सिंथ बजाने चले जाते हैं, या यूं ही गाने लगते हैं, ये गलत है। आप पहले शिक्षा लीजिए, आपको ये बेसिक शिक्षा लेना बहुत जरूरी है, जो आपके इसमें है संगीत में, जो आपके शास्त्रीय संगीत में दिया गया है कि ये सीखना जरूरी है, वो आप सीखिए तब आगे बढ़िए, चाहे वो आप किसी भी उम्र में आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हो। और मैं सरकार से भी यही कहना चाहूंगी कि सरकार को कुछ ऐसे जगह बनानी चाहिए जहां से कि बच्चों का डेवलपमेंट सही दिशा में हो सके, और उनको सही इंस्टीट्यूट मिल सके, और उनके लिए सही स्कोप मिले, जिससे कि बचपन से ही उनको कोई संगीत के प्रति ऐसी भावना ना आए, हे भावना कि हम संगीत सीखेंगे तो हम कुछ नहीं बन पाएंगे, और ये पेरेंट्स जो उनको एक संगीत से अलग रख देते हैं वो थोड़ा सा बचपन से ही उनकी एक पर्सनैलिटी जो होती है वो डेवलप होने से पीछे रह जाती है, और वो कहीं दब जाती है उनकी वो इच्छा, जिससे कि फिर वो और जो कार्य हैं वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो टेक्निकल म्यूज़िक है कीजिए, टेक्निकलिटी भी बहुत ज़रूरी है, अगर आप नया नहीं करेंगे तो कुछ बदलाव नहीं आ पाएगा, लेकिन बदलाव हो, अच्छा बदलाव हो, सुंदर बदलाव हो, कभी सुंदरता डिस्टर्ब ना हो, बस आप कोई भी काम करें नया, लेकिन सुंदरता जो है वो बनी रहे, ये बहुत आवश्यक है। रागिनी मैम, ये पॉडकास्ट आपके बैचमेट्स और फ्रेंड्स द्वारा भी अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सुना जा रहा है, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, या उनसे जुड़ी कोई मेमोरी? हाँ, याद तो भी क्यों नहीं करेंगे, सब मेरे साथ ही रहे जो मुझे हमेशा उनकी वजह से भी, कहना चाहिए कि जब एक संगीतकार या कोई गायक जब आगे बढ़ता है तो वो तो खाली अपने आप से थोड़ी होता है, समाज ही उसे आगे बताता है कि तुम क्या हो, वरना हम अपने आप को खुद नहीं समझते कि हम क्या हैं। वही अगर हमें आगे बढ़ाता है कि हाँ अरे तुम अच्छा गा रहे हो, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, तो उनका बहुत बड़ा रोल होता है हम लोगों को आगे बढ़ाने में, या किसी को भी आगे बढ़ाने में। तो उसमें फ्रेंड्स सर्कल जो होता है वो सबसे ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है, कि जब आप पढ़ते होते हैं या जब आप उनके साथ में होते हैं तब। तो मैं कंटिन्यू, तो मैं उस टाइम को ज़रूर याद करके कहूँगी, जब मैं पढ़ती थी यहाँ यूनिवर्सिटी में, तो जो मेरी फ्रेंड्स थी वो मुझे रोज़ एक नया गाना ज़रूर बताती थी कि आज ये तुम तैयार कर लो, आज ये तैयार करो, वो कहीं से सुन के आती थी और मुझे बताती थी कि रागिनी तुम्हारी आवाज़ में अच्छा लगेगा, ये तुम तैयार कर लो। मुझे अभी भी याद है कि उस टाइम पे उमराव जान फिल्म आई थी और उसकी गज़लें जो थी वो बहुत ही टिपिकल थी, गाना इतना आसान नहीं था, लेकिन उनको लगता था कि मैं कर सकती हूँ,
तो मुझे मतलब यहाँ तक कि जो मिसेस आज मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगी, फ्रेंड्स तो जो थे वो थे, मेरी मैडम मिसेस इंद्रजीत खन्ना जो कि उस समय आज जो ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी उस टाइम पे उसकी HRM की, तो मुझे वो तक मुझे कैसेट देके गई कि रागनी तुम ये तैयार करो ये तैयार करो। तो मुझे आज भी याद है कि उमराव जान की जो गजलें थी उस टाइम पे वो गजलें उन्होंने मुझे कहा कि आप इनको करिए, और मैं बड़ी खुशी से वो कैसेट सब, अब उस टाइम पे कैसेट चलते थे तो मैंने कैसेट प्लेयर में जाके लगा के उन्हें तैयार किया और उनको सुना और गाया। और ऐसे ही एक मेरी अचला दीदी थी जो कि कैंपस स्कूल में टीचर रही, वो उस समय मैं पढ़ रही थी, वो हॉस्टल में रह रही थी, तो वो भी एक दोस्त की तरह से ही रही मेरे साथ, उससे बड़ी थी। तो वो मुझे एक दिन हॉस्टल में अपने रूम में खींचती हुई ले गई, रागिनी तुम ये रिकॉर्ड सुनो। तो उस समय ये जगजीत सिंह और चित्रा सिंह जो थे वो उस समय बिल्कुल शुरुआत थी उनकी उस टाइम पे जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने मुझे उनकी गजलें सुनवाई कि ये देखो रागिनी इनका फर्स्ट एनुअल एल्बम आया है और इसको आप सुनिए और इसमें से तैयार करिए। तब उन्होंने मुझे कई ऐसी गजलें सुनवाई। तो इस तरीके से उस टाइम पे बहुत वो होता था कि फ्रेंड्स मुझे बताते थे कि हाँ ये करो तो ये अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हम कभी भी दोस्तों को या अपने जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं उनको कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि उनकी वजह से भी पर्सनैलिटी हमारी बहुत कुछ डेवलप होती है। तो इस तरह से हम आज यही कहेंगे कि दोस्तों को हमेशा याद रखिए और उनसे हमेशा जिंदा रहते हैं हम। तो पहले मैं उमराव जान से ही शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे उनकी जो गज़लें हैं उमराव जान फिल्म की बहुत ही एक अलग तरीके की वो उनकी लिरिक्स हैं, और जो खयाम साहब ने जो उसमें म्यूज़िक दिया है वो इट इज़ मार्वलस। तो मैं उसको ज़रूर यहाँ आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। जुस्तजो जिसकी थी उसको तो न पाया हमने, जुस्तजो जिसकी थी उसको तो न पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने, जस्तजू जिसकी थी। जगजीत सिंह ने भी मेरे ऊपर एक अलग ही इम्पैक्ट छोड़ा, क्योंकि उस टाइम पे जो मेरी उम्र थी वैसे ही 19-20 साल की रही थी मैं, और उस टाइम पे जगजीत सिंह बिल्कुल उभरते हुए कलाकार थे, और जैसे मुझे वो तब पसंद थे वो आज भी मुझे उतने ही पसंद हैं। तो उनकी मैं गाई हुई गज़ल का एक आध शेर आपके सामने गाना चाहूँगी, आपसे शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा ज़िंदगी से रिलेटेड ही सारी शायरी ली है और उनको जो धुनों में बांधा है उनका एक अलग ही अंदाज। तो तब एक मूवी आई थी अर्थ, हाँ, तो उसमें उन्होंने गाया था वो जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम
घना साया तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। मैम, कोई ऐसे बचपन के सपने जो आज भी आपके जहन में जीवित हों? बचपन के सपने? क्या बचपन के, तो जो होता गया उसको हम याद कर सकते हैं आज की जिंदगी में। तो सपने यही थे उस समय भी कि जब मैं गाती थी और लोग मुझे पसंद करते थे तो मुझे लगता था कि जैसे कोई मैं कुछ अनोखी हूँ और लोगों से कुछ अलग हूँ, और ये एहसास मुझे उस समय भी होता था। और आज मैं समझदार हूँ, समझ सकती हूँ इस बात को कि क्यों लोग मुझे अलग समझते थे। और वो जो उनका अलग समझना था लोगों का, वही प्यार, वही आज जो एक सम्मान के रूप में बदल गया है, वो मुझे हमेशा एक इस ओर खींचता रहा कि नहीं नहीं अभी तुम्हें कुछ और अच्छा करना है, कुछ और अच्छा करना है। और रियली मैं जब भी कोई भी गाना सुनती थी, चाहे वो गजल हो, भजन हो, कोई किसी भी प्रकार का, यहाँ तक कि जो घरेलू गीत होते हैं किसी के शादी में या उसमें, मैं कहीं पर भी कुछ भी नहीं छोड़ती थी। लगता था कि जैसे मम्मी ने कहा कि आज कहीं गीत है, चलना है तुमको, हाँ हाँ चलना है, तो वो मुझे कहती थी इतने तुम ये याद कर लोगी, पढ़ाई कर लोगी तो ले चलेंगे। तो रियली मैं जल्दी जल्दी सब याद कर लेती थी, और मुझे जाने का इतना चार्म था कि मतलब संगीत न छूट जाए, मतलब गीत के लिए मैं इतनी लालायित रहती थी कि कैसा भी गीत है मुझे सुनना है, उस जगह जाना है। यहाँ तक कि जो रामायण होती थी, उस रामायण में भी मैं, मुझे लगता था कि मैं जाके सुनूं, और जो भैया लोग जो बजाते थे वो ढोलक वगैरह, वो उसको मैं बड़े ध्यान से सुनती थी कि, और मैं घर में आके तुरंत उसको कॉपी करना चाहती थी कि ये वही वाली साउंड निकलनी चाहिए जो मैं वहाँ सुन के आ रही हूँ। तो रियली जो मुझे संगीत का लगाव था, जो ये एक प्यास होती है जो हर समय लगी रहती है और कभी बुझती नहीं है, मुझे लगता है जो रियल सिंगर्स हैं या जो रियल म्यूजिशियंस हैं वो हमेशा प्यासे ही रहेंगे, वो कभी उनकी प्यास बुझ ही नहीं सकती, और जिस दिन बुझ जाएगी तो वो शायद उनका आखिरी दिन होगा। तो मैं सोचती हूँ कि जब तक हम जिंदा हैं तो वो प्यास हमेशा लगी रहनी चाहिए। तो मैं, मेरे अंदर भी वो आग बचपन से थी, वो प्यास बचपन से थी, और मुझे लगता था कि मेरी कोई ऐसी सिटिंग, कोई ऐसा प्रोग्राम छूटना ही नहीं चाहिए। कभी रात भी हो जाती थी, अगर रात भर गाने चल रहे हैं तो मैं शादियों में रात भर बैठी हुई हूँ और मैं गाती और उनके साथ में सुन भी रही हूँ, गा भी रही हूँ, ये मेरा एक अपना वो था। और आज भी ये है कि अगर कहीं मुझे लग जाए कि ये इस मूवी के गाने बहुत अच्छे हैं तो वो मूवी मैं अलग से लगा के उसको ज़रूर देख लेती हूँ। इवन पुराने गानों में भी कुछ गाने तो मेरे ऐसे तैयार हुए, मैं आपको बताऊँ, जब मैं छोटी थी तब तो सिर्फ रेडियो था मेरे घर में, तो एक बार एक गाना, कुछ गाने मेरे ऐसे तैयार होते थे जिनके शब्द बच्चे समझते भी नहीं है, लेकिन मुझे वो शब्द भी अच्छे लगे, उनकी धुनें भी अच्छी लगी, और गाने इतने सैड थे। मैं आप उनकी अभी एक लाइन सुनाती हूँ। एक गाना गीता दत्त जी का गाया हुआ, और उन्होंने एक ही बार में मैंने सुना, क्योंकि रेडियो में तो फिर दो तीन दिन के बाद आने वाला है वो गाना, कभी आया है नहीं आया, मैंने एक लिसनिंग में और रात में सोते समय सुना और मैंने उसे तैयार कर लिया। ऐसी मम्मी बोली कि और रागनी कुछ नया तैयार किया तुमने, कुछ गा रही हो आजकल? मैंने कहा हाँ मम्मी, मैं आपको एक गाना सुनाऊं, मैंने आज एक गाना सुन के तैयार किया। बोले अच्छा सुनाओ भाई। तो मैंने ये गाना सुनाया, मैं आपको बताती हूँ। तुम क्या जानो तुम क्या जानो तुम
तुम्हारी याद में हम कितना रोए, हम कितना रोए। तो जब मेरी मम्मी ने सुना ये लाइन, अरे, और मैं तब उस समय ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 साल की थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है, पर ये गाना मुझे आज भी पसंद है। और ये गाना रियली मैं गाते समय मेरी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं, और इतनी मार्मिकता से गाया हुआ है ये गाना, किसी बच्चे को तो पसंद नहीं आएगा। ऐसे जब मैं 8-9 साल की थी तो पाकिजा रिलीज हुई, पाकिजा में एक गाना था यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते, तो एक अंकल आए और बैठे थे, तो यूं ही होता था कि भाई और रागनी कुछ गा रही हो, सबको ही लगता था कि यहाँ रागनी कुछ गाएगी ज़रूर। तो छोटे से ही मतलब एक वो रहता था, और हमें भी रहता था कि हाँ अंकल जी आए हैं जो हमारे जो फैमिली के बहुत करीब थे, तो वो लोग भी बड़े वो रहते थे कि हाँ भाई रागनी आई, रागनी से मिल रहे हैं तो आज उससे गाना सुनेंगे। तो मैंने एकदम से शुरू कर दिया ये गाना, उस समय भी यही मैं 9 साल की उम्र रही होगी, मैं गाना गा रही थी। यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था सारे राह चलते चलते, वही थमके रह गई है, वही थमके रह गई है मेरी बात टलते टलते, यूं ही कोई। इस तरह से गाने, और उसमें जब सरे रहा था तो मुझे सरे रहा का मीनिंग नहीं मालूम था, मैं सारे रहा बोल रही थी। तो मेरे पापा थोड़ा उर्दू के जानकार रहे, तो उन्होंने कहा कि रागनी ये सरे रहा होगा, सरे सारे रहा नहीं होगा। और फिर मैं मुख्तसर कह रही थी, मुख्तसर मुख्तसर का बोल रही थी, और वहाँ पे मुख्तसर, तो मेरे पापा ने वहाँ पे करेक्ट किया मुझे। तो ये जो मेरे साथ होता था कि जो मैं गलत गा रही हूँ, गलत शब्द बोल रही हूँ, उसका प्रोनंसिएशन सुधारना, तो वहीं पे मैंने आपसे बताया कि मुझे पापा मम्मी का जो साथ मिला है, इन सब चीज़ों को सुधारने का मौका मिला। तो मेरा मतलब है कि एक छोटे से बच्चे का जो एक सपना होता है वो यही होता है कि वो जिस चीज़ को लेके चल रहा है, जो उसके मन में जहन में उतर रहा है, वो उसको सपोर्ट कितनी मिल रही है। तो वो सपोर्ट मुझे बचपन से मिलती रही, और मेरी मम्मी मुझे एडमायर करती थी बहुत कि रागनी बहुत अच्छा गाती है, और उसको हमेशा वो नए नए प्रोग्राम के लिए मुझे तैयार करती रहती थी कि रागनी आज गांधी जयंती, आज ये गीत याद करो, आज ये 15 अगस्त है ये गीत याद करो, तो वो सिलेक्ट कर करके देती थी मुझे। मुझे आज भी याद है कि जब एक नया गाना एकदम चला था, जैसे राधा ने माला जपी श्याम की, तो उन्होंने मुझे कहा कि रागनी ये गाना गाओ। तो वो गाना उस टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मैं जस्ट 6 में थी, और 6 में मेरी उम्र ऐसी ही रही थी, मुश्किल से 11 साल की रही होंगी मैं, तब मैंने गाना गाया। और वो गाना आप अभी भी सुनेंगे तो आपको बड़ा स्वीट लगेगा। जैसे राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की, तेरे नाम की हो पिया तेरे नाम की, राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। तो आप ये देखिए गानों की जो स्वीटनेस थी पुराने गानों की, और आज आप कहेंगे एक एक शब्द मुझे हर गाने का याद है, मैं भूली नहीं हूँ अभी तक। तो आज के लिरिक्स जो हैं वो बच्चे बहुत जल्दी भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाती हूँ, लेकिन मुझे इतना ज़रूर मैं पुराने संगीत के लिए कहूँगी कि जो फिल्मी संगीत भी था उसने भी बहुत कुछ सिखाया लोगों को, और मैंने भी इस फिल्मी संगीत से बहुत कुछ सीखा है। इसीलिए कह सकते हैं कि संगीत जो है वो कहना चाहिए समाज का दर्पण है। वैसा ही संगीत होगा जैसा समाज होगा, तब लोग बड़े साफ सुथरे थे दिल के, बहुत ईमानदार थे, तो वैसे ही संगीत था। आज देखिए इतनी लूट खसूट मची हुई है हर जगह, तो संगीत में भी वो बात नहीं है। तो जब तक हमारे अंदर प्योरिटी नहीं आएगी तब तक हम वो संगीत ना तो सुन के उसे एडमायर कर पाएंगे, ना उसकी इज्जत कर पाएंगे उस संगीत की, ना ही हम खुद अच्छा गा सकते हैं। तो ये याद रखिए कि ईमानदारी जब तक इस देश में नहीं आएगी, इस जगह पे, इस संसार में नहीं आएगी, हम हर चीज़ में पिछड़े रहेंगे। लगेगा कि हम बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन वो झूठी जिंदगी होगी। इसलिए मैं सबसे यही कहूँगी कि भाई सच्ची जिंदगी जीने के लिए आप संगीत के करीब रहिए, और उससे शुद्ध होते रहिए, जो कि नितिन का कहना भी है हमारे, कि संगीत हमें शुद्ध करता है,
तो मैं कहूंगी संगीत तो शुद्ध करता ही करता है, साथ में आप वही लोग शुद्ध हो सकते हैं जो संगीत के करीब रहेंगे और रहना चाहेंगे। अगर वो ये सोचेंगे कि आज गालियां बस इतना काफी है, नहीं, सारी जिंदगी आपको रखना है अपने साथ उसको। तो संगीत को आप ये मत समझिए कि आपकी सिर्फ बचपन में स्टेज पे जाने के लिए कोई एक वो है हमारे लिए कि हमको एक मौका मिल रहा है, इससे हम बहुत ऊंचे हो जाएंगे। किसी स्टेज पे जाने से आप ऊंचे नहीं हो जाते हैं, ऊंचे होते हैं आप अपने ज्ञान से, अपनी सच्चाइयों से, अपनी अच्छाइयों से। तो जब तक आप एक सच्चे दिल के ईमानदार इंसान नहीं रहेंगे, तब तक आप किसी भी ऊंचाई पे पहुंच जाएं, वो सारी ऊंचाइयां बेकार हैं, बर्बाद हैं। इसलिए मैं तो आपको यही कहूंगी कि आप सच्चे इंसान बनिए और संगीत के साथ ही रहिए हमेशा। हमारे भारतीय संगीत और संस्कृति में ठुमरी का क्या सार है, ठुमरी की वास्तविक उत्पत्ति क्या है? देखिए, अभी जो आपने बताया कि ठुमरी, ठुमरी में जो पहले दो वर्ण है ठुम, तो ठुमक, जैसे जो चीज़ आप कोई चीज़ ठुमक के चले या जिसमें ठुमक ना हो, उसको ठुमरी का नाम दिया गया। तो जिस रचना में एक बार बार नृत्य की जो भंगिमाएं आती हैं और एक ही शब्द को कई बार दोहराया जाता है, एक ही बात को कई बार कई तरह से कहा जाता है, तो उस वहाँ पे कहा जाता है कि ठुमरी, यानी कि आपने की अपनी जो अभिव्यक्ति है बात की, तो वो बात को आप किस तरह से बार बार, जैसे आपने कहा ठाड़ी रही हो बाके यार रे, ठाड़ी रही हो, कितनी बार ठाड़ी रही हो कहा गया। तो ये जो इतनी बार ठाड़ी रही हो कहा गया, उसके अलग अलग स्टाइल है। देखिए, ऐसे इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, हाँ जी हाँ दुपट्टा मेरा, हो दुपट्टा मेरा। तो इस तरीके से जो कहा जा रहा है बार बार, तो ठुमरी का मतलब होता है कि बात को कई तरीके से कहना और उसमें नृत्य भी शामिल हो, भाव भंगिमाएं उसके अनुसार हो। तो ये जब ये दरबारी संगीत हुआ, संगीत जब दरबारों में चला गया, तो वहाँ पर जो था कला को एक प्रदर्शन के रूप में देखा गया कि कला जो प्रदर्शित करने के लिए है, दिखाने के लिए है। उससे पहले संगीत जो था वो मार्गी था, मार्गी मतलब सिर्फ आपका भगवान के प्राप्ति के लिए या आपको अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए संगीत था, जिसको कि ध्रुवपद कहा जाता है। उसके बाद फिर आपका ये जब धीरे धीरे देखा गया कि अरे इसमें तो बड़ी रंजकता है, इससे तो मनोरंजन भी किया जा सकता है, तो ये मीरा कबीर सूर तुलसी के बाद फिर ये जब मुगल शासन और ये सब मुगल आए, तो उस टाइम पे दरबारों में संगीत चला गया। और उन दरबारों में संगीत जाने के बाद ये इस तरीके की चीज़ें ठुमरी हो गए, आपके क्या कहते हैं छोटा ख्याल बड़ा ख्याल, ये उसी टाइम की उपज हैं। और तभी ये जो अमीर खुसरो हैं हमारे, उन्होंने, वो एक औलिया थे, वो भी कोई उस तरह से उन्होंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया था कि कहीं बैठ करके किसी गुरु से शिक्षा ली हो। उन्होंने पखावज को वो ब्रेक करके उसके टू पार्ट्स किए और तबला ईजाद किया उन्होंने वहाँ से। तो इस तरीके से देखिए, तो संगीत जो हमारा है वो ठुमरी, जहाँ पर हम कहते हैं, तो ठुमरी केवल प्रदर्शन के ही लिए उसको इस्तेमाल में लाए गए। और उसका जो था पहले एक लोकगीत जो थे हमारे, लोकगीतों से ही हमने इन चीज़ों को बनाया है। उसमें भाषा जो है वो लोकगीत की ही डाली जाती है। जैसे अभी हमने आपसे कहा इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा, ये क्या चीज़ है? ये एक ऐसी रचना है जो कि एक आम भाषा में है, ये इसमें कोई बहुत बड़े साहित्य के शब्द नहीं आपको मिलेंगे, घरेलू भाषा के शब्द मिलेंगे आपको ठुमरी में। तो जैसे चले आओ सैया रंगीले में हारी रे, इस टाइप के जैसे, तो मतलब एक बहुत ही आम भाषा, आपको घरेलू देहाती कहना चाहिए, गांव की जो भाषा बोली जाती है वो भी आपको मिल सकते हैं। इसीलिए इसमें जगह जगह की भाषा का आपको एक वो मिलेगा पुट, कि कहीं भोजपुरी स्टाइल में होगा तो कहीं आपका बुंदेलखंडी में होगा, इस तरह से अलग अलग
जहाँ जहाँ के क्षेत्र के में आप जाएंगे अलग अलग संगीत आपको मिलेगा। तो ठुमरी में भी ये चीज़ें मिलेंगी आपको। तो जो चीज़ें दरबार में गई तो दरबारी तरीके से उनको पेश किया गया, तो उनके शब्द उर्दू में भी आए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वहीं पे हिंदी के जो हमारे जो अपनी घरेलू भाषा में हम हिंदी बोलते थे वो भी उसमें आई है। इस तरह से ठुमरी को हम इसी तरह से परिभाषित कर सकते हैं। और ठुमरी एक बहुत अच्छा स्टाइल है और बड़ा लोकप्रिय रहा है। घरानों का क्या महत्व है? देखा जाता है हर घराने की विशिष्टता अपने आप में विशेष है और दूसरे से भिन्न है, इसका क्या कारण है? जी, तो घरानों की जगह जो आई, जो घरानों की जरूरत पड़ी वो संरक्षक या उसकी सुरक्षा की जरूरत पड़ी। संगीत को कैसे सुरक्षित रखा जाए, तो जैसे हमारे कहना चाहिए जगह जगह का संगीत अलग अलग था, तो ऐसे ही अगर आप आगरा में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ अलग मिलेगा आपको, कानपुर में जाएंगे वहाँ अलग मिलेगा, आप इस तरह ग्वालियर में चले जाएंगे ग्वालियर का अलग स्टाइल मिलेगा। तो वहाँ पे क्या था कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों को उन्होंने, जैसे हम अपने को अलग रखना चाहते हैं, कोई भी किसी के हर ये चीज़ आप देखेंगे समाज में कि कोई किसी की तरह आगे नहीं बढ़ना चाहता है। वो सोचता है कि मैं अपने में कुछ डिफरेंट वो रखूँ, अपनी परिभाषा कुछ अलग रखूँ लोगों से। तो इसीलिए घरानों की जो उपज है वो है, तो कहना चाहिए संगीत एक सा ही चला, संगीत में कोई इतना अंतर नहीं था, लेकिन घरानों से क्या हुआ कि एक संगीत की सुरक्षा होती रही, इसीलिए घरानों की जरूरत पड़ी, वरना घरानों की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उन्होंने, जैसे मैंने सोच लिया कि इतना हिस्सा में संगीत ऐसा ही चलेगा, तो इसलिए संगीत की सुरक्षा के को ध्यान में रखते हुए घरानों की उपज हुई या उनका प्रादुर्भाव हुआ। और इस तरह से जो लोग उस जगह के गायक हुए या उसी जगह को उन्होंने जाकर के उसी गुरु से सीखा, तो वो उसी घराने का व्यक्ति माना जाने लगा या उसकी उस घराने की गायकी कहलाने लगी। तो घराने से हमारा कोई म्यूजिक चेंज नहीं हो जाता है, शास्त्रीय संगीत तो एक से ही चल रहा है, लेकिन उसमें स्वरों का थोड़ा सा लेने का ढंग, जैसे हमने कहा सा गा मा पा, तो आ लेने के ढंग में ही फर्क आ जाएगा। इतने से ही पता लग जाएगा कि ये जो घराना है ये अलग है, ये घराना अलग है। और जबकि वही राग है, राग चेंज नहीं हो रहे हैं, राग वही है, स्वर वही है, सिर्फ आपने, जैसे मैं आपको एक अलंकार सिखा बता रही हूँ केवल, जैसे आपने कहा सारे गा रे गा मा गा मा पा, अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं सारे गा रे गा मा गा मा पा मा पा था पा, तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो उसमें जो आपने एक हल्का सा कण लिया, तो गायकी तो कण लेने से ही फर्क हो जाती है, तो जो आपके जो कण हैं गायकी में वही घराने को डिफरेंट डिफरेंट बता देते हैं। तो पहली चीज है सुरक्षा और अपने को डिफरेंट बनाना कि हम इनसे डिफरेंट हैं। तो वही होता था कि कॉम्पिटिशन्स भी होते थे, ये तो आज का युग नहीं है, आज भी कॉम्पिटिशन है, तब भी होते थे, शास्त्रार्थ होते थे तब कि भाई हमसे अच्छे आप हैं कि हम अच्छे हैं। तो ये जो राजाओं का काम होता था वो यही काम होता था कि इधर से भी बुला लिया उधर से भी बुला लिया और फिर करा रहे हैं बीच में लड़ंत कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो लोगों को अपने अपने कहते हैं ना अपने अपने खेमे बनाने की जरूरत पड़ गई कि हम जीतेंगे या हमारा अपनी अपनी सिटी का, जैसे पंतनगर के लोग जाएं कहीं तो ये सोचेंगे कि हमारा पंतनगर ही जीते, तो इस तरीके से, या पंतनगर के कहीं भी लोग जाते हैं तो अलग से पहचान में आ जाते हैं कि पंतनगर के लोग हैं भाई। तो इस तरह से संगीत में भी होता है घराने में कि एक पहचान बन जाती है फिर, तो अपनी पहचान के लिए ये। मैम, आज आप इस शो के माध्यम से संगीत से ताल्लुक रखने वाले या संगीत के प्रति रुझान रखने वाले युवाओं को अपने तजुर्बे से क्या सलाह देना चाहेंगी? हाँ, इस नई पीढ़ी से कुछ कहना चाहूँगी, जो बच्चे आगे आ रहे हैं, जो या बिगनर्स हैं या जो अपनी संगीत अभी भी चाहते हैं कि हम संगीत में आगे बढ़ें और संगीत को एक प्रोफेशन भी बनाएं या संगीत को अपनी ज़िंदगी में लेके चलें, तो उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है या उनसे ये गुजारिश है कि वो बच्चे या बिगनर्स या लर्नर्स वो ऐसे इसको सिस्टमैटिक सीखें कि आगे तक उन्हें कभी कोई चीज़ की कमी न महसूस हो, जब वो कुछ बड़ा करने चलें तो कोई चीज़ छोटी ढूंढने लग जाए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से हम कुछ बड़ा कर सकते हैं।
और अगर आपने पहले छोटी चीज नहीं की है तो आप बड़ा चीज एकदम से करेंगे तो आपको कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी, आप कहीं ना कहीं अटक जाएंगे जाके। तो आप अटके नहीं, कहीं भटके नहीं। इसके लिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि कुछ नया जरूर करें आप, ये जरूरी नहीं है कि आप जिस जो पुराना है वही करें। लेकिन देखिए, फिर से मैं वही बात दोहराऊंगी कि बिना जड़ों के पेड़ नहीं टिकता। आप किसी भी पेड़ को आप या किसी डंडी को काट करके आप अपने फ्लावर पॉट में लगाते हैं, कितने दिनों चलती है वो। ठीक उसी तरीके से हमारा संगीत है, अगर हम इसके शास्त्रीय संगीत की थोड़ी सी बातें, जो छोटी छोटी बातें हैं, उन चीजों को नहीं सीखेंगे तो तब तक हम अपने जो संगीत का जो कहना चाहिए पराकाष्ठा है या जो उसका चमक है संगीत की, जो एक सफलता है संगीत में, वो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे कि बहुत से लोगों को ड्रम बजाने का शौक होता है तो गए अपना दो स्टिक उठाई बजाने लगे, नहीं, उससे पहले आपको तबले की तालों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपने तीन ताल नहीं बजाई, आपने कहरवा नहीं बजाया, तो आप बीट्स को कैसे बांटोगे गाने में? आप बांट ही नहीं पाओगे टाइम को, क्योंकि कोई भी साउंड जो है आप उसका जब तक पैटर्न नहीं जानते हैं कि वो साउंड कितनी बार हो रही है और कितनी देर में हो रही है, तो आपको टाइम और बार दोनों आपको पता होने चाहिए। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, आप जैसे जनगणमन गाते हो ना, तो जनगणमन में अगर आप एक ड्रमिंग चलती है बराबर, तो ड्रमिंग कैसे चलती है, 1 2 3 गैप 1 2 3 गैप। ये गैप की जरूरत तो नहीं है वैसे ना, अगर हम ऐसे ही गाएं ना 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 ना, तो तभी भी तो जा रहा है, लेकिन ये गैप क्यों दिया जा रहा है? फॉर ब्यूटी, क्योंकि हर वक्त हमें क्या करना है, एक संगीत में सौंदर्य का ध्यान बहुत रखना है। संगीत तब तक नहीं अच्छा लगता जब तक कि हमें उसमें सौंदर्य ना हो, डिजाइनिंग ना हो। जैसे कि हम अपने कपड़ों में डिजाइनिंग करते हैं, आपके क्या कहते हैं फर्नीचर में डिजाइनिंग करते हैं, आप मकान बनाने में डिजाइनिंग करते हैं, ठीक वैसे हमें अपनी आवाज को भी डिजाइनिंग करना पड़ता है, अपने पैटर्न बनाने पड़ते हैं आवाज के। जैसे अभी मैंने आपको कहा 1 2 3 1 2 3, ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4, कोई भी आप पैटर्न बना सकते हैं। तो साउंड के पैटर्न बनाने से ही आपका गाना जाके सही बनता है। और अगर आप ये पैटर्न नहीं जानते हैं, नहीं बना सकते हैं, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि एक गाने पे वो ठीक से क्लैपिंग भी नहीं कर सकते। तो एक बात मैं आपको राज की बता दूं कि ये जो ताल होती है ये ब्लड में होती है, इसको आप किसी को पैदा नहीं कर सकते, किसी को सिखा नहीं सकते। और एक बार को बेसुरा चल जाएगा लेकिन बेताला नहीं चलता। अगर ताल नहीं है तो आप संगीत में कभी भी नहीं हो सकते, आप कोई भी गीत ना गा सकते हैं ना अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो इसलिए ताल में होना यानी कि आपको टाइमिंग का अंदाज पहले होना है। आवाज तो हर आवाज में गा सकते हैं, उषा उत्तुप को देखिए आप कितनी भारी आवाज है और कितना अच्छा गाती हैं। आप क्या टेबल से नहीं म्यूजिक निकाल लेते हो? आप क्या पेन से म्यूजिक नहीं निकाल सकते हो? क्या आप बाल्टी से म्यूजिक नहीं निकाल सकते हो? तो साउंड्स तो कोई भी यूज की जा सकती है, ऐसे ही हमारी आवाजें भारी पतली मोटी किसी भी प्रकार की हो, लेकिन हमें टाइमिंग का अंदाज पहले सीखना है। तो प्लीज आप सबसे मेरी यही है गुजारिश है कि आप संगीत में इन सब छोटी छोटी बातों का, बहुत बड़ी बातें नहीं है, बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें ही आपको संगीतकार बनाती हैं, एक अच्छा म्यूजिशियन बनाती हैं, एक अच्छा गीतकार बनाती हैं, एक अच्छे कहना चाहिए लिरिक्स को पहचानने का भी आपका इसी में आप सीखते हैं किसी लिरिक्स को कैसे गाएंगे। जब तक आपको टाइम बांटना नहीं आता आप कैसे गाओगे बताओ? तो ये चीज़ें आप सीखिए, इनको समझिए, इन पर ध्यान दीजिए। अगर कोई आपसे बताता है तो सुनिए, आपको कोई गुरु मिलता है उससे सीखिए। लेकिन आप ये मत सोचिए कि आपने 2-4 फिल्मी गाने गा लिए तो अब आप गायक हो गए। ये जो आपका भाव है अपने अंदर कंप्लीशन का, ये कभी भी नहीं आना चाहिए कि अब हमने इस पे भी हमें फर्स्ट प्राइज मिल गया, वहाँ गए तो वहाँ हमें बहुत सराहा गया। तो ये हमारी एक छोटी छोटी सी स्टेज होती है, थोड़े थोड़े से फ़ायदे होते हैं हमको कि हाँ हमको मोटिवेशन मिलती है, वो बात अच्छी है कि हम किसी कोई प्लेटफॉर्म पे हम जाते हैं तो हमारा सम्मान होता है। लेकिन वो सम्मान केवल वहीं तक के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए नहीं है। आगे बढ़ने के लिए आपको अपना ज्ञान बढ़ाना ही पड़ेगा, अपनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना ही पड़ेगा। ये आप ध्यान रखिए इन बातों का। जिंदगी में मैंने बहुत सारे काम किए, म्यूजिक से रिलेटेड परफॉर्म भी किया, जजिंग भी किया, और
जजिंग भी मैंने कोई ऐसे खाली पंतनगर में ही नहीं की, मैं बरेली, लखनऊ, आपके हल्द्वानी, काशीपुर, जिन को पता था कि हाँ रागिनी मैम कुछ कर सकती है जजिंग वगैरह, तो लोगों ने मुझे हमेशा बुलाया। तो जो ये सफ़र रहा उसमें एक ये और आज की स्टोरी जुड़ गई कि मुझे जो स्टार टीम है हमारी, उन्होंने मौका दिया कि हम आपसे आज बात कर सके और अपनी बात को आपसे शेयर कर सके और अपने जीवन की कुछ जो बहुत ज़रूरी बातें थी जो आप तक हम पहुंचाना चाहते थे, जो कि अब तक मन में थी मेरे कि मैं आज के बच्चों से कह सकूं और अपने संगीत के सफ़र के बारे में लोगों को बता सकूं और संगीत कितना ज़रूरी है ये बता सकूं, ये सब स्टार टीम को इसका सौजन्य से ही मैं कर पा रही हूँ, उनके ही ये वो है अप्रोच है और इनकी अप्रोच हमेशा आगे फलती फूलती रहे और इसी तरह से ये जितने भी इनको टैलेंटेड लोग मिले उनको सबको आप ये आगे और भी प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। इस उम्र में आकर के मैं आपसे जो शेयरिंग कर रही हूँ इसकी खुशी का मैं बयान नहीं कर सकती कि ये भी एक कहना चाहिए एक मौका है खुशी का कि आज पंतनगर में होते हुए मैं पंतनगर के रेडियो स्टेशन पे आज आपसे बात कर पा रही हूँ, आपको बता पा रही हूँ कि मैं पंतनगर में किस तरह से बड़ी हुई, किस तरह से मैंने पंतनगर को समझा है और पंतनगर मेरे लिए क्या वैल्यू रखता है। तो ये आज मैं स्टार टीम की वजह से आपसे बात कर पा रही हूँ और उसको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी मैं कहूँगी कि वो कुछ बच्चों के लिए भी इस तरह से काम करें कि वो लोग भी आगे आएं और अपनी कला के बारे में, अपने बारे में बता सकें लोगों को। We thank our title sponsor, Indoin Business Group, for making this podcast possible. आज के प्रोग्राम की स्क्रिप्टिंग स्टार्स ऑफ पंतनगर की प्रोडक्शन इंटर्न मनीषा चमोली जी ने की है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का 22वां एपिसोड और ये थी हमारी गेस्ट मिसेस रागिनी सक्सेना मैम, जिनसे बात करके हमने आज जाना कि संगीत जीवन को कितनी विशिष्टता प्रदान करता है और इस एपिसोड के माध्यम से और इस शो के माध्यम से हम पंतनगर की सभी म्यूजिकल स्पिरिट्स एलुमनाई को सम्मान देना चाहते हैं। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे आज ही के दिन, आज ही के समय स्टार्स ऑफ पंतनगर में एक नई पर्सनैलिटी के साथ, एक नए स्टार के साथ। टिल देन कीप शाइनिंग।